प्रकृति दोनों का शोषण करके पैसे कमाना आया। यहां तक ठीक है? तो ये बात समझ आई कि आखिर इस भाई हम दुख के साथ जीना नहीं चाहते, इससे मुक्ति का रास्ता क्या है, अपनों के साथ कैसे हम ठीक से जिएं। तो फिर आगे बात निकल के आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समझ में आया? कोई बात नहीं की हम। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में तो आ रहा है। तो देखिए, पिछले दो दिन में हमने जितनी बातचीत की उससे ये क्लैरिटी बनी कि हम जिंदा रहने को जीना मान के चल रहे है ना। तो हम जिंदा रहने को जीना मान के चल रहे, हम ये मान के चल रहे कि इंद्रियों में सुख मिल जाएगा, अच्छा लगने को अच्छा होना मान के चल रहे। अच्छा लगना और अच्छा होना, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। तो बेसिकली रूप बल धन और पद से हम सम्मान पाने गए, इंद्रियों से हम सुख पाने गए, दोनों में सुख की निरंतरता नहीं है, और दूसरों के साथ कंपैरिजन करके लगातार अपने आप को छोटा बड़ा महसूस करना, लगातार कॉम्प्लेक्सेस में रहना, और इससे हमने अपना अपने अपने में सोचने का तरीका, अपना परिवार और समाज को हमने मिलकर नर्क बनाया, और धीरे धीरे हम इस नर्क की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये क्लैरिटी बने कि जिंदा रहना एक अलग दुनिया है और जीना एक अलग दुनिया है। तो वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है, और अभाव के साथ झेलना होता है। इस पे हमारी क्लैरिटी बनी। तो जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीजें हैं। जब जीने की बात कर रहे हैं तो वो भावपूर्वक जीना होता है। भाव और विचार में जो अनस्टेबिलिटी है, भाव और विचार में जो कन्फ्लिक्ट है, भाव और विचार में जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, ये हमको लगातार तंग करती है, लगातार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और हम परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाते। तो धीरे से हमारी ये भी क्लैरिटी बनी कि जीना एक अलग दुनिया है और जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, जीने की तैयारी एकदम अलग है। तो फिर हमने चर्चा किया कि हम जीना चाहते हैं, तो जीना क्या है, जीना कैसे होता है। तो हमने कहा कि स्वयं के प्रति विश्वास। विश्वास कब होता है? जब हम समस्याओं के साथ होते हैं कि समझण के साथ होते हैं? समझण के साथ होते हैं। जब हम प्रश्नों के साथ होते हैं कि प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होते हैं? प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होते हैं। तो कुल प्रश्न कितने हैं? तो आपने कहा अनंत हैं। प्रपोजल देखा तो हमने पाया कि दो ही प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। दो ही प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। क्यों जीना है पे बात करना शुरू किया तो हम ये मानते थे कि क्यों जीना है तो सबके लिए अलग अलग होता है, सबका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, और किसी का सुख किसी के लिए दुख, किसी का दुख किसी का सुख हो सकता है, इसलिए एक छत के नीचे साथ साथ जीना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा सुख अलग अलग है। तो धीरे से हमारी क्लैरिटी बनी कि बेसिकली सुख को हमने समझने की कोशिश की तो सुख फ्रूट है, रूट में गए तो पता चला कि सुख क्या है, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। और स्वीकृति किसके लिए, व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? तो व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। व्यवस्था मतलब क्या? शरीर का व्यवस्थित होना मतलब स्वस्थ रहना, मन का व्यवस्थित होना मतलब खुश रहना, परिवार का व्यवस्थित होना मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना, समाज के व्यवस्थित होने का मतलब भय मुक्त समाज का होना, और प्रकृति के व्यवस्थित होने का मतलब
प्रकृति का व्यवस्थित रहना, संतुलित रहना, बैलेंस रहना, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, सभी के लिए इतना ही है। तो हमको ये बात पता चली कि जिस तरह से एटम और सेल को यूनिवर्सली समझा जा सकता है, साइंस में कोई इटालियन साइंस और जर्मन साइंस नहीं होता है, उसी तरह से मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, और यदि मानव एक नेचुरल एंटिटी है तो उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है, एग्जिस्टेंस में जितने भी नेचुरल एंटिटीज हैं उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग भी एक नेचुरल एंटिटी है, उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है। वो नेचुरल बिहेवियर हमको पकड़ में आ जाए तो हमने पहले भी कहा था हम गलतियों से सीखते हैं, हम गलतियों से नहीं सीखते, सही का रेफरेंस उपलब्ध होता है, उस रेफरेंस को पहचान के हम सही को पा लेते हैं। इसलिए अभी तक हमारे पास जड़ संसार में जितने सही के रेफरेंस उपलब्ध हो गए उतना हमने जड़ संसार में किसी अच्छी स्थिति को पाया, लेकिन संबंध के संसार को, मानव के जीने के संसार को हमारे पास रेफरेंस नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल एंटिटी है लेकिन ह्यूमन बीइंग के नेचुरल बिहेवियर का हमारे पास रेफरेंस नहीं है, उसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर का हमारे पास रेफरेंस नहीं है। इसलिए हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। हर आदमी अपने आप को अच्छा ही मानता है, उसके साथ रहने वाले लोग उसी के अच्छेपन से दुखी रहते हैं। हम सभी बोलते हैं कि हम परिवार के लिए जीते हैं, परिवार हमी से दुखी रहता है ना। जिसको एक घंटे पहले जिसपे बहुत प्यार आता है, एक घंटे बाद लगता है मर ही जाता तो ठीक रहता। तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम में हम जाते हैं, एक ही आदमी पे एक घंटे में, एक घंटे पहले बहुत प्यार आता है और सब कुछ इसका, मेरी जिंदगी में सब कुछ यही है, एक घंटे बाद उस पर इतना गुस्सा भी आता है कि बस ये मर ही जाता तो अच्छा होता। तो इसका मतलब है कि हमारे व्यवहार में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। कभी कभी मैं अपने लिए फील करता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, कभी कभी मैं अपने लिए फील करता हूँ कि यार मैं तो बेकार आदमी हूँ, कभी कभी लगता है मैं सब कुछ कर पाऊंगा, कभी कभी लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या। तो इस तरह से अपने ही बारे में मेरा असेसमेंट लगातार बदलते रहता है, मेरा असेसमेंट कभी बहुत पॉजिटिव जाता है, कभी बहुत नेगेटिव जाता है। मेरे पास खुद का कोई असेसमेंट नहीं है इसलिए दूसरों की टिप्पणियां मेरे को बहुत प्रभावित करती है। जिनके पास सेल्फ असेसमेंट नहीं होता है वो दूसरों के असेसमेंट से प्रभावित होते हैं, जिनके पास सेल्फ असेसमेंट होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं, वो दूसरों की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी तो ये पता चला कि स्वीकृति के भाव में जीना सुख है और व्यवस्था को समझना स्वीकृति है, व्यवस्था को समझने व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। तो व्यवस्था को समझने के लिए हम नेचर में गए तो पता चला कि पदार्थ का, मटेरियल का आचरण प्रेडिक्टेबल है, पदार्थ के आचरण की निश्चितता है, इसलिए लोहे के ऊपर हमको शंका नहीं है, एल्युमिनियम के ऊपर हमको शंका नहीं है, मिट्टी के ऊपर शंका नहीं है, आदमी के लिए हमको शंका है, दूसरों की छोड़ो खुद ही के लिए हमको शंका है कि मेरा क्या होगा। ठीक, तो हमारी क्लैरिटी बने कि पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से निश्चित है, पेड़ पौधे का आचरण बीज विधि से निश्चित है, पशु पक्षी का आचरण वंश विधि से निश्चित है, मानव का आचरण संस्कार विधि से निश्चित है। इसका मतलब है कि मानव जैसा मानता है वैसा जीता है, यदि उसके मानने में गलती है तो उसके जीने में गलती होगी ही, यदि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर गलत बिहेव करेगा ही। तो मानव का शरीर हार्डवेयर है, मानव की मानसिकता, मानव का मानना सॉफ्टवेयर है। तो जैसा मानव मानता है वैसा वो जीता है, यदि मानव को सही जीना है तो क्या होना होगा, यदि मानव को सही जीना है तो क्या होना होगा, उसका मानना कैसा होगा, मानना सही होगा कि मानना गलत होगा। तो सही मानेगा तो सही जिएगा, गलत मानेगा तो गलत जिएगा। अब सवाल इतना ही खड़ा होता है कि सही और गलत क्या है। ठीक, तो धीरे से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था को समझना अपने आप में सुख है। इसका मतलब है कि मानव जैसा हम मानव जी रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको मानव समझ में नहीं आया, है ना। हमको अपना मानव, मैंने पहले भी आपसे पूछा, हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है, क्योंकि बार बार मेरे अंदर ऐसा कुछ चलता ही है जो मेरे को खुद को अस्वीकार होता है। मेरे भाव और विचार में निश्चितता नहीं है, स्थिरता नहीं है,
मैं स्वयं में ही विश्वास की कमी को महसूस करता हूं, अपनों के साथ हमने दुख पाया है, इससे हमारी क्लैरिटी बनती है कि आचरण के रूप में मेरा मानव होना अभी शेष है, तो मेरे को अपना मानव होना समझ में नहीं आया है। मेरे को क्या समझ में आया अभी तक? मेरे को अपना मानव होना समझ में आया नहीं आया, तो फिर क्या मान के जी रहा हूं? मैं क्या मान के जी रहा हूं? मैं अपने आप को शरीर मान के जीता हूं, है ना, मैं अपने आप को शरीर मान के जीता हूं, है ना, कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, है ना, मैं 20 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं, लड़का और लड़की मैं हूं कि मेरा शरीर है? मन लड़का लड़की होता है क्या? कैसे पता कि मन लड़का लड़की नहीं होता है? मन लड़का लड़की नहीं होता है, शरीर लड़का लड़की होता है, शरीर मेल या फीमेल होता है, मन मेल या फीमेल नहीं होता है, ये आपको कैसे पता? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कितने लोगों को लगता है कि शरीर मेल फीमेल होता है, मन नहीं होता है? हाथ उठाइए। कौन माइक से बताएगा? माइक तो हिम्मत वाला एक दो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे विचार तो सेम ही होते हैं, अंत में हमें दोनों मेल हो या फीमेल हो सबको सुखी तो होना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कम सुखी होना है या फिर ज्यादा, और फिर मेल में कुछ ऐसा नहीं है कि उसे कम सुखी होना है ज्यादा, सबको एक ही तरह का होना है। जोरदार तालियां। कितना बढ़िया सर जी, पूरा कैंपस बदल जाएगा, पूरा कैंपस। आपका कैंपस थोड़ा सा बड़ा है, जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 250 बच्चे 20 टीचर्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बस्तर में, 250 बच्चे 20 टीचर्स, लगभग 6 शिविर में, तब हम शिविर छोटे करते थे, 50 स्टूडेंट्स के साथ में शिविर करते थे, 6 शिविर में। अच्छा, वो आदिवासी इलाका है, वहां शराब का चलन बहुत ज्यादा है, गांव में एक सल्फी नाम का पेड़ होता है, उसकी वो लोकल दारू बनाते हैं, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के बाहर से आते हैं, वो उसमें से भी आधे लड़के गांव में दारू पी के पड़े रहते हैं, वो एक्सटर्नल वाइवा लेने आता है तो उसको चार लड़के जाके उठा के लाते हैं, वाइवा देने आ जा, तो ऐसी हालत थी। 6 शिविर में हमने पूरा कॉलेज खड़ा होता हुआ देखा, एक पूरा खंडहर कैसे इमारत के रूप में, शानदार इमारत के रूप में कैसे खड़ा होता है। तो ये जो आदमी का कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि हाँ मैं समझता हूं, ये जो समझने का कॉन्फिडेंस है, अपनी समझ को शेयर करने का कॉन्फिडेंस है, अपनी समझ को जीने का कॉन्फिडेंस है, अपनी समझ को दूसरे में मल्टीप्लाई कर देने का कॉन्फिडेंस है, ये आदमी का रियल कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस अभी तो 3 दिन देखो ऐसा ही था कि 3 दिन में आप भी लाए गए थे, अभी आप लाए गए हो कि आए हो? जो आए हो वही बचे हैं, जो लाए गए अच्छा है, हम भी चाहते हैं फिल्टर हो जाए। देखो यदि इस काम को हम पैसे के लिए करते तो अलग तरह से करते, इस काम से हमको पैसा नहीं चाहिए पर पेमेंट पूरी चाहिए। क्या पेमेंट है? पेमेंट क्या है इसमें? पेमेंट क्या है इसमें? आप में से कितने लोग इस सीट पे बैठने को तैयार हैं? हाँ, तो अभी नहीं, चाहे 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कोई बात नहीं, 2 साल में कितने लोग इस सीट पे बैठना चाहते हैं? बस यही पेमेंट है। ठीक, इस सीट पे बैठने का मतलब है कि अपने को बात समझ में आ जाए, हम अपने परिवार में अपनों के साथ बढ़िया से जी पाए, है ना, और दूसरे भी समझना ही चाहते हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, खुशहाली को शेयर करेंगे। अपने दोस्तों से बात करते हैं तो बिल बना के थोड़ी देते हैं, दोस्त से बात किया, मैं तुमसे 2 घंटे बात किया एट द रेट ऑफ 2000, 4000 हो गया, ऐसा नहीं करते। अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, अपने घर में खुशहाली से बात करते। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। तो ये पता चला कि शरीर मेल और फीमेल होता है,
मन मेल और फीमेल नहीं होता, क्योंकि जीने की जितनी सारी जरूरतें हैं वो मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा जवान अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अफ्रीका और इंडिया सबके लिए समान है। धरती के सभी मानव सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष गोरा काला, धरती के सभी मानव सम्मान चाहते हैं, धरती के सभी मानव सफलता चाहते हैं, धरती के सभी मानव भय से अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, ये सब में एक जैसा मिलेगा। और आप चाह के भी कुछ नहीं बदल सकते, नहीं मैं थोड़ा सा अपमान चाहता हूं ऐसा आप नहीं बोल सकते, नहीं मैं थोड़ा सा दुख चाहता हूं ऐसा आप नहीं बोल पाओगे। तो धरती के सभी मानव की चाहना एक जैसी है, शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, ये बात ठीक है। तो धीरे से हमारी क्लैरिटी बनेगी कि जिसको अभी तक हम बहुत सारी बातें जो मानव के बारे बोल रहे हैं वो मानव के बारे हैं कि शरीर के बारे हैं? डॉक्टर मानव को समझता है कि शरीर को समझता है? डार्विन की थ्योरी मानव के बारे है कि शरीर के बारे है? डार्विन का मानव का विकासवाद नहीं है, वो शरीर का विकासवाद है। डार्विन को मानव समझ में नहीं आया, शरीर के बारे में बात कर रहा है डार्विन, है ना। जब डार्विन स्ट्रक्चर की बात करता है कि मानव कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि हम मानव को नहीं समझते हैं और मानव को हम केवल शरीर मानते हैं, तो देखो अभी हमारी जितनी समझ बनी उससे क्लैरिटी हमारी ये बन रही है कि हाँ मानव में मानव संस्कार विधि से समझता है, है ना, ये बात हम कह रहे हैं। तो चलो मानव में व्यवस्था को समझने का काम करते हैं। मानव में व्यवस्था को समझने का, तो समझने के लिए चार ही चैप्टर हैं। मानव में व्यवस्था को समझेंगे, परिवार में व्यवस्था को समझेंगे, वो लिखा भी है, है ना। तो पूरी धरती की सारी यूनिवर्सिटीज का कुल सिलेबस इतना है कि मानव समझ में आ जाए, परिवार समझ में आ जाए, समाज समझ में आ जाए, नेचर समझ में आ जाए। इसके ज्यादा कोई दुनिया में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, सारे सब्जेक्ट, सारा धर्म, सारा अध्यात्म कुल मिला के किसके बारे में बात कर रहा है? या तो मानव के बारे में बात करता है, या परिवार के बारे में बात करता है, या समाज के बारे में बात करता है। साइंस की ज्यादा बात करेंगे तो वो नेचर के बारे में बात करता है। तो हम मानव में व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानव हमको समझ में नहीं आया है। तो चलिए मानव के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को समझना हो तो उसकी आवश्यकताओं से हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो देखिए मानव के बारे में अर्थशास्त्र क्या बोलता है। मानव के बारे अर्थशास्त्र कहता है कि आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है, किसने बोला ये अर्थशास्त्र में, किसने बोला? दत्तेरी। अरे कोई नाम होगा मानव का, तुम तो अर्थशास्त्र पढ़े नहीं हो ऐसा लग रहा है। अरे साइंस वाले टेंथ पढ़ के आते हैं कि नहीं? नाइन्थ में सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स की परिभाषा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गुजरात बोर्ड में कौन सी क्लास में करते हैं? लगभग है सोशल साइंस पढ़ते हैं कि नहीं? सोशल साइंस में नाइन्थ में सीबीएसई बोर्ड में, तो नाइन्थ में अर्थशास्त्र की परिभाषा आ जाती है। सबने पढ़ी होगी, उस समय ठीक से पढ़े नहीं थे। तो रॉबिन्स नाम का एक साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट अर्थशास्त्री, उसने ऐसा बोला। कितने लोगों को ध्यान है कि आपने पढ़ा है कभी ना कभी कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है? सुना तो सबने है। तो आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। देखो यदि हम ऐसा मानते हैं और ऐसा अर्थशास्त्र में ही हमको बुक्स में नहीं पढ़ाते हैं, है ना। वो गालिब का शेर भी एक बहुत पॉपुलर है, क्या बोला? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। सुना सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। ये शेर गालिब का बहुत पॉपुलर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कुल मिला के कह रहे भाई आवश्यकता पूरी नहीं होनी। अब गरीबी को भी थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं तो थोड़ा ठीक सा लगता है। तो गालिब भी वही कह रहा है, रॉबिन्स भी यही कह रहा है कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। यदि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, तो एक मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित महसूस करेगा? असुरक्षित महसूस करेगा। जैसे ही एक आदमी के भीतर असुरक्षा आती है, वो असुरक्षा से तुरंत भयभीत होता है। जैसे ही एक मानव भयभीत होता है तो वो संग्रह की तरफ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मानसिकता में ऐसा होता है। कैसे? जो रूप के लिए असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है वो रूप का संग्रह कर, वो रूप के लिए भयभीत रहता है, वो रूप का संग्रह करेगा। जो धन के लिए असुरक्षित महसूस करता है वो धन के लिए भयभीत रहता है, वो धन का संग्रह करेगा। जो पद के लिए असुरक्षित रहता है वो पद के लिए भयभीत रहता है, वो पद का संग्रह करेगा, है ना? तो जो जिसके लिए असुरक्षित होता है उसके लिए भयभीत होता है और वो उसका संग्रह करने के लिए, उसको एक्यूमुलेट करने के लिए प्रयास करेगा। ये बात कितने लोगों को ध्यान में आती है? ये बात ध्यान में आ रही है कि ऐसा होता है? इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? कल एक झूठी खबर अखबार में छपवा दो कि परसों से पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्या होगा? सब भागेंगे और राजकोट के पेट्रोल पंप पे जितना पेट्रोल है वो सबके घरों में आ जाएगा और अगले दिन पेट्रोल के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक। किसी भी बहुत बड़े कार्यक्रमों में जो ये भगदड़, जो अचानक भीड़ हो, लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं करना, कोई बॉम्ब नहीं डालना, एक आदमी बस बोलता हुआ निकल जाए, भागो 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 भागो, बस। उसके बाद क्या होगा? सब भागना शुरू कर देंगे कि कुछ ना कुछ खतरा है। ठीक। और 10-20 लोग उसमें मर जाएंगे। तो केवल आदमी को एक बार असुरक्षित महसूस कराने की जरूरत है, उसके बाद वो कोई ना कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी करेगा। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि जैसे ही एक व्यक्ति असुरक्षित होता है वो भयभीत होता है, उसका संग्रह करेगा। जिसका संग्रह करेगा, संग्रह करने के लिए शोषण करना एक जरूरत है। जिसका शोषण करेगा वो चुपचाप करवाएगा कि विरोध करेगा? वो विरोध करेगा। ये विरोध ही युद्ध और संघर्ष है और इससे अव्यवस्था होगी कि व्यवस्था होगी? अव्यवस्था से असुरक्षा बढ़ेगी या घटेगी? तो ये एक विशियस सर्किल हो गया। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रोजमर्रा की जिंदगी में दे सकते हैं, जहां आपको ये होता हुआ दिखाई देता हो, जहां आपको प्रैक्टिकली ये होता हुआ दिखाई देता हो? शानदार एग्जाम्पल हायर एजुकेशन में। हाँ जी, माइक। सर, अभी जो कुछ हम जानते हैं कि नेचुरल में, नेचर में बैलेंस रखने के लिए जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो जरूरी है, तो हम हर चीज का, जैसे हम फॉरेस्ट का शोषण कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर हैं वो भयभीत होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो हम पे आक्रमण करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें पता है कि ये जो हम शोषण कर रहे हैं चीजों का, तो उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो उसका संग्रह करने के लिए हम कोई ना कोई, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम एग्जांपल देते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे प्लान बनाते रहते हैं कि हमारा मतलब व्यवस्था ठीक रहे। बढ़िया। और कोई चीज?
हाँ जी इधर माइक दीजिए। अच्छा मैं सोचा बोलना चाह रहे, ठीक है। देखो एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी हायर एजुकेशन में जॉब को लेके असुरक्षा हो गई, हो गई। जैसे ही जॉब को लेके असुरक्षा हुई, सबको जॉब को लेके फियर हो गया, और किस तरह से जॉब मिलेगी, उसके लिए क्या करेगा। और ठीक है, फिजिकली विरोध या मानसिक रूप से तो अपने भीतर एक अंतर विरोध चलता ही है। और फाइनली अव्यवस्था ये हुई कि लगभग लगभग पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन 30% रह गए। आज पूरे देश में इंजीनियरिंग में एडमिशन 30% है, और कहीं कहीं इससे भी कम हो गया, जबकि वो कोर्स इतने बुरे नहीं थे। तो पढ़ने वालों ने, पढ़ाने वालों ने जो कुछ भी क्वालिटी का हाल किया, और जो कुछ भी देश की पूरे सिस्टम चली, एक बार जैसे ही लगता है कि इस साइड में जॉब कम है, फिर विड्रॉल रेट इतना आता है। एक समय जब लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग करके अच्छे पैसे मिलते हैं, तो सबने क्या किया, इंजीनियरिंग में इतना एडमिशन, इतना एडमिशन, हलवाई ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और क्या, ऐसे ही खुले। तो इसका मतलब है कि जब भी कहीं हमको सुरक्षा मालूम होती है, हम सब वहीं दौड़ पड़ते हैं, और जब भी कहीं असुरक्षा मालूम होती है, वहां से दूर भाग लेते हैं। चलो ये क्लैरिटी हुई। अब ये क्लैरिटी बनती है कि फाइनली ये चक्र हमको सुखी करने की ओर ले जाएगा कि दुखी करने की ओर ले जाएगा। इस चक्र से दुख पैदा होगा। अब ये बताइए कि अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। और पढ़ने वाला बच्चा फीस दे के 20 लाख दे के वो सुखी होने आया कि दुखी होने आया? वो सुखी होने आया। और टीचर ये पढ़ाता है कि तुम्हारा दुखी रहना पक्का है, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमने भागवत पढ़ी थी बिना सोचे। भागवत भी ऐसी पढ़ते हैं, कुछ लिखा है बुक में पढ़ते रहो। फिर साइंस भी हमने भागवत की तरह से पढ़ी है। हमारी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग हमारा डेवलप हुआ, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मिल रहा है। इससे ये क्लियर तो हुआ, आज जब हम इसको चर्चा करते हैं, देखो ये बात ठीक है कि हमने भी कोई अपने आप से सोच लिया, ऐसा नहीं है। एक अनुसंधान मिला, उसकी रोशनी में हम ऐसा सोच पाए। लेकिन ऐसा जब हम अर्थशास्त्र के लोगों से चर्चा करते हैं, तो वो लोग बोलते तो हैं, ये पढ़ाते हुए कुछ गलत तो लगता था, पढ़ाते हुए कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा लगता तो था, पर समझ में बहुत नहीं आता था। तो इससे क्लैरिटी बनी कि ये हम आदमी को दुखी करने का जुगाड़ कर रहे हैं। यहां से कोई जीना नहीं निकलता, यहां से शोषण निकलता है ना, यहां से असुरक्षा निकलती है, यहां से जिंदगी नहीं निकलती। तो चलो जिंदगी की ओर चलते हैं। तो मानव की आवश्यकताओं को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो अब तक गलती, हाँ जी साथ में चल रहे हैं ना पीछे वाले सब, तो अब तक गलती कहां हो रही थी ये समझ में आ गया। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बच्चे के जन्म से लेके चार कंधे की यात्रा तक एक आदमी की कुल कितनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसको गिना जा सकता है कि नहीं? एक बच्चे के जन्म से लेके चार कंधे तक कुल कितनी आवश्यक, चार कंधा समझते हो कि नहीं? राम नाम सत्य। तो कुल कितनी आदमी की आवश्यकता होती है उसको समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो आप बोलते जाओ फटाफट, मैं लिखता हूं, बोलिए, बोलते जाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, जो भी बोले जोर से बोले, हाँ है, मनी है, रेस्पेक्ट, सम्मान, हेल्थ,
फैमिली, परिवार, रोजगार, पर्यावरण और है क्या गैजेट, मोबाइल, मोबाइल, कार, इंटरनेट, वो सब आ गया ना उसमें। मोबाइल बोलने से फिर सारा आ गया है। हाँ, और पानी पर्यावरण में आ गया, हैप्पीनेस, सुख है, नसीब, किस्मत और बोलिए बोलिए सर। मैं कुछ कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि हमारी आवश्यकताएं असीम है और साधन कम, तो अब आप बोल रहे हैं कि बचपन से लेकर जब तक हम मरते हैं तो हमारी आवश्यकताएं कितनी है, अगर वो असीम है तो हम उसको गिन कैसे सकते हैं? तो इसलिए तो बोल रहा हूं कि असीम असीम नहीं है, वो ही तो समझना चाह रहे हैं। असीम है कि नहीं है उसी को समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। बढ़िया, तो इसलिए बोलता हूं, ध्यान से सुना करो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम कहां है उसको हमने पहले लिखा, अब प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे, मेरे भाव और विचार, हर जगह में मेरे भाव और विचार में एक निश्चितता, क्लैरिटी, सुरक्षा है ना, खुशी हर जगह में आ जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और बोलिए, और कम से कम खड़े होके तो बोल सकते हो, फिर पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। खड़े होके बोलो, थोड़ा जोर से बोलोगे तो आवाज आ ही जाएगी यहां तक। हाँ, ऐसा खड़े होके खड़े हो जाया करो, जोर से बोल दिया करो। हाँ, ऐसा बोल दिया करो। एनर्जी, ऊर्जा और हाँ है, न्याय, वेरी गुड, न्याय न्याय और है, खड़े होके बोलो, है सफलता, वेरी गुड, सफलता, संस्कार, अनुभव है सेटिस्फेक्शन, संतोष है, खड़े होके बोलो, विकास, विकास, आजादी, स्वतंत्रता, कॉन्फिडेंस, विश्वास, खड़े होके बोलो, बैठ के बोलना ही नहीं है। गुरु, गुरु, मित्र, गर्लफ्रेंड लिखो, इतना धीरे से क्यों बोलते, खुल के तो बोलो कम से कम। हाँ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज जो बोलोगे सब मिलेगा सर। हाँ, अपनापन, अपनापन। अब गुरु हो गया, मित्र हो गया, विश्वास हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, फैमिली हो गई, और कितना अपनापन चाहिए? हाँ है, खड़े होके बोलो, चरित्र, बहुत बढ़िया, ये सही है। वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने चरित्र लिखना ठीक है?
सर सर आपने कहा कि मित्र गुरु सब है तो अपनापन की क्या जरूरत है, तो सर हम ये सेमिनार ही नहीं अटेंड करते ना। तो वही तो बोल रहा हूँ कि सब इससे हो गया, बिना समझे ताली बजाते हो। ये मैंने ये कहा कि जब गुरु परिवार मित्र सब कुछ हो गया तो अपनापन इन्हीं से तो है। हाँ सर, लेकिन होगा ही तो हम ये अटेंड ही नहीं करते, नहीं है इसलिए अटेंड करते हैं कि कैसे आएगा। तो कैसे आएगा, वही तो बोर्ड पे आ गया कि हाँ ये गुरु मित्र सब कुछ। अभी देखो, फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी चाहे गुरु है, चाहे मित्र है, चाहे पेरेंट्स हैं, लगभग हम सभी उस जगह में खड़े हैं जहां जिंदा रहने को जीना मानते हैं। जिंदा रहने को जीना मानने वाला व्यक्ति और ये अपनापन चाहने वाला व्यक्ति, ये दोनों ही जिंदा रहने के धरातल पे हैं, तो यहाँ अपनेपन की तृप्ति नहीं है। मैंने कहा ना, एक घंटे पहले लगता है कि जिंदगी में ये मेरे लिए सब कुछ है, एक घंटे बाद ही लगता है मर ही जाता तो ठीक रहता। तो ये अपनापन टूटता रहता है। तो जिंदा रहने के धरातल पर किसी भी भाव की निरंतरता नहीं है, वो भाव अभाव में बदलता रहता है, इसलिए अपनेपन की बात आती। आप खुद ही अपने को स्वीकारे हुए नहीं हो, मेरा खुद के साथ अपनापन नहीं है, दूसरा मेरे को क्या अपनापन देगा। सारा संसार भी आपको अपना माने तो भी आपको लगता है कि नहीं कुछ तो कमी है, क्योंकि आपके भीतर जो भाव और विचार है वो तो स्थिर नहीं है। ऐसी कहानी। कोई बात नहीं, बढ़िया। और बोलिए सर, खड़े होके बोलो, बैठ के बोलना नहीं है। सर, टेंशन फ्री लाइफ। हाँ, गुड। लक्ष्य और तनाव मुक्त जीवन। तनाव मुक्त जीवन, बहुत बढ़िया। बहुत टेंशन हो गई। सहनशीलता। हाँ, वो मैं एक शिविर कर रहा था। पहले मैं क्या करता था, जब शुरुआती दिनों में शिविर लेता था तो एक ग्राफ बनवाता था, एज वर्सेस हैप्पीनेस। तो एज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 और हैप्पीनेस 10, 20, 30, 50, 100 100 एज एंड 100 हैप्पीनेस। तो ग्राफ ड्रॉ करो अपनी जिंदगी का, हैप्पीनेस का ग्राफ। तो पहले ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते थे कि ये हैप्पीनेस ऐसे बढ़ता है और फिर ऐसे होके, तो ये हो गया, ये कौन सा एज हो गया है, कॉलेज लाइफ। अरे हाँ, ये हो गई शादी। ठीक। तो और ये एज हो गई 25 प्लस माइनस, और उसके बाद तो ये घटना शुरू हुआ तो लास्ट तक जाके ऐसे हो गया। ठीक। और अंतिम समय में तो बस मौत आ जाए, है ना, ऐसे इंतजार करता हुआ जाता है अकेलेपन के साथ। तो आप ही की एज ग्रुप के साथ बहुत शिविर करते थे उस समय NIT रायपुर के साथ। तो एक लड़का बोलता है, सर आप समझते नहीं हो, आजकल ना बहुत टेंशन हो गया है। आजकल जो आप ये टेंशन यहां बता रहे हो ना, ये यहां नहीं रहता, आजकल ये ऐसा रहता है। ये क्या हो गया? बोले सर, क्या स्कूल टाइम में जो अफेयर हो जाता है ना, उसमें बहुत टेंशन होता है। तो एक तरफ आप सुख चाहते हो, देखो कंट्राडिक्शन कैसा है, एक तरफ आप सुख चाहते हो, सुख का मतलब ही है स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। ये बात तो समझ में आ गई अब, सुख का मतलब ही है स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, समझ लो आराम से। सुख का मतलब ही है स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। फिर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब ही है कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना। तो आप बहुत मेहनत करके दुखी होते हो और आप इसमें सफल हो जाते हो, इसमें कोई भी असफल नहीं रहता। तो इसका मतलब है, मैं 86 में इंजीनियरिंग में गया, 86 से 89, 4 साल। तो मेरे को क्या, बचपन से मैं हॉस्टल्स में रहा, मेरी लगभग अभी 52 की एज है,
और मैं लगभग अपने माता पिता के साथ टोटल 52 में से 5 साल रहा हूं, 6 साल टोटल जन्म से आज तक लगातार हॉस्टल्स और किसी किसी कारण से बाहर ही रहा। तो इस पूरी जर्नी में मेरा अपने साथ जीने का रहने का एक अभ्यास बन गया। तो मेरे को एक आदत है कि मेरे को रूम में बहुत डिस्टरबेंस की आदत नहीं है, मतलब रूम में जाने के बाद मैं अपने साथ रहना चाहता हूं। तो मैं कॉलेज में भी जब इंजीनियरिंग के दौरान भी जब रूम लेके रहता था तो मैं 86 में सिंगल रूम में रहता था, रूम पार्टनर नहीं रखता था, ताकि रूम में जाने के बाद मेरा टाइम मेरा हो, फिर मैं अपने अनुसार जो मुझको लिखना पढ़ना सोचना करना जो मैं करता रहूं। अब मेरा रूम अकेला बाकी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता था। अब सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए जगह चाहिए, बैठने की जगह चाहिए, तो कहते थे ओ त्यागी हम ना यार बस आधे घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, एक घंटे के लिए आएंगे बस। तो मेरा रूम जो है वो बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह बन गया। जब वो मेरे रूम पे बैठने आते थे तो मेरे को बोलते थे तू ना जूस पी के आ जा, तो मैं जूस पीने चला जाता था। तो उसको हम लोग जनगण मन बोलते थे। जनगण मन का मतलब है कि जब वो निकलते थे दोनों रोते हुए ही निकलते थे, जो भी उनके बीच चलता होगा अपने को नहीं पता। तो मैं ये समझ गया कि मैं ये ना बहुत मेहनत करके दुखी होने वाला काम है। तो मैं सबको देखा ये रोते ही रहते हैं, आज टाइम दिया था आई नहीं, आया नहीं, ये झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा जिनका ये झंझट हो गया अब उनका पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, कुछ भी कर लो, अब गई भैंस पानी में, निकलेगी कि नहीं निकलेगी पक्का नहीं। तो मैंने बहुत ब्राइट स्टूडेंट को बिल्कुल आर पार होते हुए देखा। तो कॉलेज टाइम में ही मेरे को ये क्लैरिटी बन गई कि ये काम तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया जाए ये तो काम ठीक नहीं। ठीक, समय आने से जो होना है शादी होती है, समय आने से जो होना होती है। और फिर मेरे को ये भी लगता था कि यार अपन धोखा कैसे कर सकते हैं, मेरे को जिसके साथ शादी नहीं करनी है मैं उसके साथ अफेयर कैसे करूं, जिसके साथ मेरे को शादी नहीं करनी है फिर ये भी तो होने वाला है ना कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो भी 4 अफेयर पहले करके आ रही है, और आज ये प्रॉब्लम हो गई है। आज आपस में एक दूसरे को, आपको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप 5 अफेयर पहले करके आ रहे हो, तो आपको लगता है सामने वाला भी ऐसा ही होगा। तो ये बहुत एक जो भाव और विचार की स्टेबिलिटी की बात है, ये भाव और विचार में बहुत अनस्टेबिलिटी की जगह बन गई, क्योंकि मैंने जिंदगी में यह पाया कि जिनके पास बहुत पैसा और पद है वो लोग ताकतवर नहीं है, जो इमोशनली स्टेबल हैं वो बहुत रिस्की डिसीजन ले पाते हैं। तो जिंदगी में रिस्की डिसीजन वो लोग ले पाए जो इमोशनली स्टेबल है। तो मुझको ये लगता है कि अपने भाव और विचार पे जिन लोगों का काम कम है उन लोगों की ज्यादा निर्भरता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ जाती है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने परिवार में बहुत खुल के बात करने का अवसर नहीं है, अपने परिवार में बहुत प्यार से जीने का अवसर यदि नहीं है, और फिर जो चलन भी है कि हम सारी टीवी में इतना ही तो देखते हैं, सारा बाजार इतने में सारा आपको देखोगे तो सारा टीवी का बाजार और सारा फिल्म का बाजार, सारी फिल्म किस बात पे चलती है। मेरी माँ बोलती थी कि शादी के बाद की कोई फिल्म हो तो दिखाओ, सारी फिल्म शादी पे जाके बंद हो जाती और सारा सीरियल शादी के बाद शुरू होता है। तो पैसे देके तो शादी के पहले का ही देखा जा सकता है, बिना पैसे दिए घर में आपको अब लड़ाई ही देखनी है ना, एकता कपूर के सीरियल से लेके सारे षड्यंत्र जितने भी होते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं, अब काम की बात सुन लो, कि हमको खुद से प्यार नहीं है इसलिए कोई दूसरा हमको प्यार करे, कोई दूसरा हमको एप्रिशिएट करे, मैं खुद को एप्रिशिएट नहीं कर पाता इसलिए दूसरा मेरे को एप्रिशिएट करे, मैं खुद को प्यार नहीं कर पाता इसलिए कोई मेरे को प्यार करे, ये जो दूसरों से प्यार और सम्मान पाने की चाहत है ये मानसिक परतंत्रता है, इसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिल रहा है,
सिवाय पटरी से उतरने के कुछ नहीं मिलता है, है ना? आपको अभी समझ में आ जाए, 10 साल बाद समझ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हमने वो लोग देखे हमारे साथ के लोग जिनके 9-9 साल अफेयर चले, उसके बाद शादियां हुई, उनके भी वही झगड़े हुए। जिन्होंने अरेंज मैरिज किया उनके भी वही झगड़े हुए। आप में कोई क्लैरिटी है तो आपके मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। और देखो, हर पति पत्नी अंततः तो यही चाहता है कि उसका पार्टनर उसके लिए 100% उपलब्ध हो, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो भाव और विचार की स्टेबिलिटी है, ये इमोशनल लेवल पे सबसे ज्यादा टूटती है, उसके बाद लॉजिकल लेवल है, उसके बाद फिजिकल लेवल है, है ना? तो यदि जैसे जैसे हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि ये भाव और विचार कोई बड़ी दुनिया है, मैं खुद को एप्रिशिएट कर पाऊं, मैं खुद को प्यार कर पाऊं, मैं खुद के साथ कॉन्फिडेंस से जीऊं, मैं बहुत उपयोगी होके जीऊं, अपनी सफलता के लिए मेरे भीतर कॉन्फिडेंस हो, अपनी जिंदगी में मैं फुटबॉलर होऊंगा, तो एक दूसरी दुनिया हमको उपलब्ध हो जाती है जहां सुखी होने के लिए दूसरे व्यक्ति की निर्भरता कि आपको जरूरत नहीं पड़ती, या फिर आप प्यार को सही सेंस में समझ पाते हो। अभी जिसको प्यार की हम बात करते हैं वो बाजार है, आपके भीतर अकेलापन है, आपके अकेलेपन का शोषण करने के लिए बाजार तैयार है, आपको तरह तरह के पिक्चर दिखाता है, तरह तरह की चीजें दिखाता है। कुल मिला के उनकी जिंदगी में जाके देखोगे, वो खुशी उनकी जिंदगी में है क्या जो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझको लगता है कि जिंदगी को और नजदीक से देखने की जरूरत है, और बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है, तो हो सकता है हमारी जिंदगी में बहुत सारा हम बहुत आराम से चल पाएंगे और बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत नहीं है, पर यह समझना तो जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना? मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, इसकी आवश्यकता तो है। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है? फिर तो फ्रेंडशिप तो होती है, उसको समझेंगे। ये सारी चीजें बहुत हम डेप्थ में जाके समझेंगे, लेकिन अभी 3 दिन में जितनी चर्चा हो सकती है उसकी सीमा है। तो जब हम 8 डेज की वर्कशॉप फुल टाइम रेजिडेंशियल करते हैं, अब यहां कितना हम रेजिडेंशियल कर पाएंगे मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर आप खुल के 3 दिन तो आपको खुलने में लगते हैं, 3 दिन तो आपको वो स्थिति में आने में लगते हैं कि हाँ, आप सारी बातें बहुत खुल के हो सकती हैं और अब हर बात हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज पे आगे बात करेंगे। चलिए, तनाव मुक्त जीवन हो गया। और सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर, आपने जो अभी ग्राफ बनाया हैप्पीनेस का, एज और हैप्पीनेस का, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज हम जो भी देखते हैं तो ये ग्राफ उल्टा होना चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हैप्पीनेस घटती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारी समझ दूसरों के प्रति और दूसरी चीजों के प्रति बढ़ती है, उनके प्रति हमारा स्वीकार और अस्वीकार शुरू हो जाता है। तो हैप्पीनेस एज के साथ घटनी चाहिए, ना कि पहले बढ़ के फिर घटे। अरे, अभी जो हैप्पीनेस है वो जिंदा रहने वाली है, खाने के लिए कपड़े जितने भी फिजिकल बिलोंगिंग्स हैं वो बढ़ती हैं, तो हमको लगता है खुशी बढ़ रही है। सही मायने में क्या हो? सही मायने में तो ये हो कि एक बच्चा है, वो एक मिनिमम समझ के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। सही मायने में तो ये होगा। मैं मेरी जिंदगी से कह सकता हूं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी खुशी बढ़ी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी उपयोगिता बढ़ी है, और ये आगे भी बढ़ेगी। और ऐसे मेरी नहीं, जो भी लोग समझ रहे हैं सबकी ऐसे ही बढ़ रही है। बढ़िया, कर लो जिंदगी मुट्ठी में। वो लोग तो आपका बेवकूफ बनाते हैं, आपकी जेब अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं ऐसा बोल के। लेकिन सही मायने में जिंदगी का ग्राफ ये है कि एक बच्चा किसी माँ बाप के यहाँ जन्म लेगा, अपने माँ बाप से समझ पाएगा, टीचर से समझ पाएगा, अपनी जिंदगी में समझेगा, जिंदगी को समझ के जीना है और जिंदे रहने की समझ पा जाएगा, और दूसरों को देता जाएगा, और शानदार जिएगा। ओरिजिनल ग्राफ ये है, जिंदा रहने के धरातल पर ग्राफ ये है, जीने के धरातल पर ग्राफ ये है। बढ़िया, क्लैरिटी बन रही? कितने लोग ये वाला ग्राफ चाहते हो? आप ना चाहो ऐसी आपकी कोई स्थिति ही नहीं, ये चाहना आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, आपकी बाध्यता है। चलिए,
तो ये कुछ चीजें, और कुछ जोड़ना चाहोगे, और कुछ आवश्यकता के रूप में, और कोई चीज, और कुछ? सर हाँ, सहनशीलता। सहनशीलता, तुम आदमी तो बढ़िया हो, बढ़िया बढ़िया ढूंढ के लाते हो। सहनशीलता और कुछ? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी सर। एकता, एकता। ये लोग कुछ और सोच रहे। सर निर्भयता, निर्भयता। निर्भय, आराम, उत्साह, धार्मिकता, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, संघर्ष, संघर्ष, शांति, संघर्ष के साथ शांति, ठीक। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, अनुशासन, गुड। और कुछ? आत्मीयता, आत्मीयता, प्रामाणिकता। क्या होता है ये? माइक दो इसको, माइक दो। प्रामाणिकता क्या होता है ये? बताओ बताओ, तुमने क्या सोच के बोला? माइक ऊपर कर लो। हाँ, प्रामाणिकता क्या होता है? कहां से तुमको याद आया ये? क्या मतलब होता है इसका? प्रामाणिकता मतलब क्या? हम जो भी बुरा करते हैं ना, हैं, वो हम सभी को बताते हैं। हम जो भी बुरा करते हैं, हम जो भी खराब चीज करते हैं, वो बताना चाहिए, वो बताना चाहिए। तो इसका नाम प्रामाणिकता है। और जो अच्छा करें वो तो बताते ही हैं। तो देखो, इनके हिसाब से जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हों, जैसा भी हों वैसा ही दिखे। गुड, बात तो ठीक है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? दया, करुणा। दया, करुणा। तो आत्मीयता आ तो गया, और कैसे करोगे? तो लगभग लगभग जितना बोर्ड आपने लिखवा दिया, अब लगभग लगभग रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। जितनी सारी बातें हमने लिख ली, इसी में बहुत सारी बातें हो जाएंगी। चलिए, अब ध्यान दीजिए, इन सारी चीजों को ध्यान से देखें। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मनी, सम्मान, हेल्थ, परिवार, रोजगार, पर्यावरण, मोबाइल, कार, इंटरनेट, ये सारी चीजें एक ही टाइप की हैं कि दो टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। कैसे? एक शारीरिक, एक मानसिक। जैसे 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 रोटी कैसी है, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, स्किल वाला एजुकेशन शारीरिक है। तो एजुकेशन शारीरिक भी है और मानसिक भी है, लेकिन अभी वर्तमान में हम केवल शारीरिक वाला पढ़ते हैं, मानसिक वाले के लिए कोशिश कर रहे हैं। मनी, सम्मान,
हेल्थ, शारीरिक, परिवार, परिवार में मानसिक और शारीरिक दोनों आ जाता है, रोजगार, पर्यावरण, मोबाइल, कार, इंटरनेट, सुख, किस्मत, ऊर्जा, न्याय, सफलता, संस्कार, अनुभव, संतोष, विकास, स्वतंत्रता, गुरु, मित्र, गर्लफ्रेंड, चरित्र, लक्ष्य, तनाव मुक्त जीवन, सहनशीलता, जिम्मेदारी, एकता, निर्भयता, आध्यात्मिकता, शांति, संघर्ष, व्यक्तित्व, धार्मिकता, उत्साह, आराम, अनुशासन, आत्मीयता, प्रामाणिकता है? गुरु, गुरु तो मानसिक ही है टोटल। गुरु हमारी मानसिक आवश्यकता के लिए। देखो, खुशी की बात यह है, मैं आपको अंतर बताता हूं, और बड़े लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं, बड़ी उम्र के लोग। जब हम बड़े लोगों के साथ उम्र करते हैं, शिविर कर रहे हैं, तो ये फिजिकल नीड वाला पार्ट वाले शब्द ज्यादा आते हैं। जब आपके साथ शिविर कर रहे हैं तो आपके साथ ये मानसिक वाले शब्द ज्यादा आ रहे हैं। है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों के ऊपर फिजिकल नीड्स का दबाव, समाज का दबाव वाला पक्ष बढ़ जाता है। आपके ऊपर अभी उस तरह के दबाव नहीं है, तो आप ओरिजिनली जो चीजें आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपसे आ रही है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने आराम को शारीरिक बोला, मानसिक आराम भी तो हो सकता है, क्योंकि हाँ, कई बार हमारा दिमाग भी थक जाता है। ठीक, अभी के लिए आपकी बात ठीक। और बोलिए, और कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये साफ कर दूं? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। आपने बोला किस्मत मानसिक होता है, लेकिन अगर हमें हम हमारी किस्मत मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर डिपेंड करता है तो वो शारीरिक भी हो सकती है ना? बिल्कुल ठीक बात। तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? दोनों में कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर दोनों में कर ले। ज्यादातर देखो, यदि आप ठीक से देखोगे तो फिजिकल चीजें भी फाइनली आपको मानसिक रूप से ही अफेक्ट करती है। फाइनली सब कुछ मानसिक हो जाएगा, फाइनली। Okay. लेकिन अभी जैसा आप जोड़ना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और बोलिए। अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। आपके मन में क्वेश्चन पैदा होता है, आपके मन में कोई इस सभा में क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन भी ओरिजिनल है, आपका आंसर भी ओरिजिनल है। ये किसी किताब से पढ़ा हुआ नहीं है, किसी का सुना हुआ नहीं है। जब क्वेश्चन करते हो तो वो भी आपके अंदर से इवॉल्व होता है, जब आप आंसर देते हो तो वो भी। तो आपका कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मैं सोच सकता हूं, मैं सही सोच सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं जी सकता हूं, मैं अपनी बात को दूसरे को समझा सकता हूं। इससे कम में आदमी जी नहीं पाएगा। कोई भी जॉब करके चार पैसे कमा के घर चला लेना जिंदा रहने के लिए ठीक है, लेकिन ये जीना नहीं हुआ, इसलिए जिंदगी में वो खालीपन बना ही रहता है, वो खालीपन लगा ही रहता है। चलिए, जितनी बात आपने अभी तक लिखवाई
उसको देख के ये समझ में आया कि धरती का हर मानव, उसकी दो तरह की नीड्स हैं। एक तरह की नीड्स हैं जो फिजिकल हैं, एक तरह की नीड है जो फिजिकल है, एक तरह की नीड है जो भाव है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है और शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए है। भाव की आवश्यकता मन के लिए है और ये जीने के लिए है। ये बात ठीक से बैठ गई? जिंदा रहना और जीने को हम शुरू से डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं के साथ में जिंदा रहना होता है और शरीर जिंदा रहता है। भावपूर्वक मैं जिंदा रहता हूं, मैं जीता हूं, मैं भावपूर्वक जीता हूं, भौतिक वस्तुओं के साथ शरीर जिंदा रहता है ना। तो जिंदा रहने और जीने को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी इतनी क्लैरिटी से हमारे को ये समझ में आया कि दो तरह की वस्तुएं हैं। एक तरह की वस्तु है रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी और साथ में साड़ी और साथ में मोबाइल, ठीक। इधर विश्वास, सम्मान, संतोष, शांति, है ना, सुख वगैरह। ये दो तरह की चीजें हैं। ठीक हो गया? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भौतिक चीजें, हाँ जी, अब आपका काम ज्यादा है, मेरा काम कम है, तैयार रहो। भौतिक चीजें, फिजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान और विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये दोनों में अंतर है कि एक ही जैसी चीजें हैं, अलग अलग हैं? क्या अंतर है दोनों में? एक दो अंतर बोल के बताओ। माइक लो, माइक पकड़ो फटाफट फटा। माइक इधर का माइक कहाँ गया? एक माइक, चार है ना माइक, तो एक आगे रखो, एक पीछे, एक आगे एक पीछे। ये भौतिक जो चीजें है वो जिंदा रहने के लिए काम आती है और भाव वाली चीजें वो जीने के लिए काम आती है। बहुत बढ़िया। और बोल सकते हो? और अंतर? हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी बोलिए। भौतिक जो चीजें है उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन भाव के साथ जो चीजें है उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। और माइक, माइक फटाफट माइक पकड़ो। कौन कौन कितने अंतर बता सकता है, फटाफट बताओ। सर, भौतिक चीजें हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं, और जो मानसिक जिनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं वो उसके साथ हम पूरी जिंदगी खुशी से रह सकते हैं। भौतिक चीजें हैं जैसे कि अब मोबाइल वगैरह है, तो कभी ये मॉडल आ गया तो हमारा मन इसमें आ गया, कभी वो मॉडल आ गया तो उससे चेंज हो जाता है। भौतिक चीजें हैं वो बदलती रह सकती हैं, लेकिन अगर खुशी है और एक बार आपने उसे समझ लिया तो पूरी जिंदगी आप मरते दम तक उसे महसूस कर सकते हैं और कभी बोर नहीं होंगे। बहुत शानदार। भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं, है ना। कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है जिसके साथ, देखो दो बढ़िया बातें ध्यान से सुन सकते हैं। कोई भी भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो धरती के सभी लोगों को हमेशा एक समान सुख देता हो। ध्यान में आया? कोई भी भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो धरती के सभी लोगों को हमेशा एक समान सुख देता हो। कोई भी भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो एक आदमी की जिंदगी में हमेशा एक समान सुख देता हो। ध्यान में आ गया? कोई कपड़ा, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई खाना, किसी भी तरह का कोई भी चीज ऐसी नहीं है। आज कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कल आप उससे बोर हो जाते हो। लेकिन विश्वास, मेरे को 6 साल हो गया विश्वास से जीते हुए, अब मैं विश्वास से बोर हो गया हूं, अब कोई धोखा दे दो, है ना, ऐसी स्थिति नहीं है।
तो विश्वास से हम कभी बोर नहीं होते, सही सम्मान से हम कभी बोर नहीं होते। हाँ बेटा। सर, जो भौतिक चीजें हैं वो हमेशा हमारे स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है, और जो ये है उसमें हमारे कभी भी हमारा स्वार्थ बीच में नहीं आता। देखो, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये भौतिक चीजें स्वार्थ से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं एक शर्ट पहना हूँ, अब इसमें क्या स्वार्थ है? स्वार्थ यही है कि आपको बॉडी से प्रोटेक्शन चाहिए, और अगर आपको किसी से भाव है या आपको मतलब आपके और किसी के बीच में कोई विश्वास है, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं बीच में आएगा। नहीं, मेरे को आप रिलेशन है तो विश्वास बना रहेगा। नहीं, फिर यदि ऐसा बोलोगे तो जिससे हमको काम निकालना रहता है उससे अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे काम नहीं होता है उससे अलग तरह का व्यवहार करते हैं। सर, वो तो गड़बड़ है, इंसान पे फर्क इसका होता मतलब है। स्वार्थ शब्द को मेरे को नहीं पता गुजराती में कैसे यूज करते हैं। वही करते हैं स्वार्थ। तो स्वार्थ का मतलब है, स्वार्थ का मतलब है संकीर्ण मानसिकता। उसको क्या बोलते है? मतलब स्वार्थ किसको बोलोगे? सेल्फिशनेस। मैं अपना काम निकालने के लिए आपको मिसयूज कर लेता हूँ, या मैं अपना काम निकालने के लिए आपको धोखा दे देता हूँ, इसको स्वार्थ बोलते हैं। शर्ट स्वार्थ नहीं है, शर्ट मेरी जरूरत है। जरूरत है, पर सर उसमें स्वार्थ भी तो जुड़ा होता ही है। नहीं, फिर तो समझ भी मेरी जरूरत है। फिर तो समझ भी स्वार्थ है, क्योंकि मेरे सुखी होने के लिए समझ भी मेरी जरूरत है। शरीर को बनाए रखने के लिए शर्ट की जरूरत है, और मेरे खुश होने के लिए समझ की जरूरत है। तो थोड़ा सा स्वार्थ शब्द की आपकी सेटिंग और देख लीजिए कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, माइक 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 आगे। सर, भौतिक वस्तुएं जो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए, और जो ये भाव है शांति सुख सब के लिए हम अपने आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। चलो, आप ये बोल रहे हो कि इधर जो भौतिक वस्तुएं हैं इनको हम खरीद सकते हैं, ऐसा आपने कहा। हाँ जी सर, भौतिक चीजों के लिए हमें इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, हमें हमेशा इनसिक्योरिटी भाव के लिए नहीं हो सकती। अगर सुख सम्मान शांति है तो हम आपकी यही इनसिक्योरिटी तो है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ ले जाती है। कोई कहता आज तुम बहुत अच्छे दिख रही हो, तो आपको लगता है मेरे को समझता है। तो इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु को लेके भी इनसिक्योरिटी है, भाव को लेके इनसिक्योरिटी और ज्यादा है। भाव की इनसिक्योरिटी की वजह से हमारा शोषण होता है। यदि भाव की इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो भौतिक वस्तु को भी हम हैंडल कर लेंगे। तो यदि इनसिक्योरिटी है तो वो भौतिक वस्तु की भी है, वो सम्मान को लेके भी है, मेरा कोई सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, तभी तो इतना सारा झंझट हो रहा है। गुड। हाँ जी, और क्या अंतर है? भौतिक वस्तुओं में शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस है, भाव में निरंतर हैप्पीनेस है। बहुत शानदार। और सर, आप कहाँ हो? हाँ, भौतिक चीजें हैं जो वो हमें एक बार चली जाए तो हम वापस ले सकते हैं, लेकिन भाव जो है एक बार चला जाता है, किसी पर से एक बार विश्वास उठ जाता है तो हम फिर से उस पे विश्वास नहीं कर सकते। तो टूटे हुए दिल की पहचान लग रही। सर, मैं सिंगल ही हूं। सिंगल नहीं टूटता, ऐसा कहां होता है? दिल कभी नहीं टूटता। अच्छा। हाँ जी, नमस्कार। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला कि जहाँ पे भाव है वहाँ इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी। नहीं, जहाँ पे अभाव का नाम इनसिक्योरिटी, जहाँ भाव है उसी का नाम सिक्योरिटी। तो सर, अगर जहाँ पे भाव है, मतलब आगे उन्होंने बोला कि भौतिक चीजें में इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी, तो आपने ऐसा बोला कि वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी, लेकिन हाँ, अगर विश्वास सबसे ज्यादा विश्वास मजबूत है तो उसमें फिर नहीं होगी। फिर नहीं होगी, बस। यदि विश्वास नहीं है इसका नाम इनसिक्योरिटी है। थैंक यू। बढ़िया, और बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हमें अभी पता चला कि भौतिक आवश्यकता है वो परिवर्तनशील है और भावनाएं परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने अभी कहा
तो भावनाएं भी तो परिवर्तनशील है, क्योंकि अगर आज किसी के लिए भावना हमारी कुछ और है तो कल उसके लिए भावना कुछ और हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझ लीजिए, देखो ये समझने लायक बात है और यहां से अपन पार पाए तो एक मजबूत स्थिति में आएंगे। कैसे? तो लेकिन अभी पहले सूत्र बोल देता हूं फिर समझते हैं। जिंदा रहने के धरातल पर भाव परिवर्तनशील होते हैं, जीने के धरातल पर भाव शाश्वत होते हैं। ये बात समझ में आए? जिंदा रहने के धरातल पर भाव परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि जिंदा रहने पर के धरातल पर भाव शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं और शरीर बदलता है तो भाव भी बदलता है। शरीर परिवर्तनशील है इसलिए भाव परिवर्तनशील है। जिंदा रहने के धरातल पर हमारा भाव शरीर से जुड़ा हुआ भाव होता है और जीने के धरातल पर भाव मानव से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो भाव शाश्वत होता है, वो भाव नहीं बदलता है, हमेशा एक सा बना रहता है। ये बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी हमारा दर्द यही है, अभी हमारी पीड़ा यही है कि जिन लोगों के साथ हम जीते हैं उनके भाव हमारे लिए बदल जाएंगे क्या? आज जैसा चाहते हैं कल भी ऐसा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आज जैसा सम्मान करते हैं कल भी ऐसा सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अपने सम्मान के लिए इनसिक्योर हैं, हम अपने भीतर विश्वास के लिए इनसिक्योर हैं, तो जिंदा रहने के धरातल पर ये इनसिक्योरिटी रहेगी ही, इससे हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए संवेदनशीलता और संवेदनहीनता दोनों में भाव का अभाव और भाव का बदलना बना रहता है। संज्ञानशीलता पे जाके भाव स्थिर होता है, वही भाव और विचार की स्टेबिलिटी है। सुन पाए क्या? आपके पास तो अपने ही बातचीत करने के लिए बहुत मटेरियल है। सुन पाए? कौन रिपीट करके बताएगा? चलो बताओ, अभी पता चलेगा मैंने जो बोला उसको कौन रिपीट करेगा एक के अलावा? मैंने जो बोला उसको कौन रिपीट करेगा? बोलो बोलो। भागवत सुन रहे? कथा सुन रहे? कथा आपको क्या कथा सुनने की आदत है? नहीं? बोलो फिर, कौन बताएगा? चलो जिसने पूछा वो बताएगा। बोलो, उसको बोलो, तुम्हारे बाजू वाला, इसको माइक दो। क्या बोला मैंने? इनको माइक दो। हाँ हाँ, तुम्ही को। क्या तुमने क्वेश्चन किया और क्या आंसर मिला, दोनों रिपीट कर दो। और क्या तुमको समझ में आया? सर, मैंने क्वेश्चन किया था कि भौतिक जो आवश्यकता है वो परिवर्तनशील है और जो मानसिक जो आवश्यकता है वो परिवर्तनशील होती है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, ये मेरा ये क्वेश्चन था। तो आपने ये समझाया कि जब हम जिंदा रहना चाहते हैं, जब हम जिंदा होते हैं, तब हमारे लिए हमारे शरीर के साथ जैसे जैसे हमारा शरीर बदलता है, मतलब शरीर की आवश्यकताएं बदलती है, वैसे वैसे हमारे लिए दूसरों के, हमारे मतलब हमारे जो दूसरों के लिए भाव है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जब हम जी रहे होते हैं तब वो भाव स्थायी रहते हैं, वो शाश्वत होते हैं। बढ़िया, ठीक हो गया। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि मेरे भाव और विचार में जो अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है, वही मेरे दुख का कारण है, वही मेरे विश्वास में कमी है, उसी की वजह से मैं मिसयूज होता हूं, उसी की वजह से कोई मेरे को मिसयूज करता है। यदि मेरे को मेरा सुख मेरी मुट्ठी में रखना है, यदि मेरे को सुख के लिए आत्मनिर्भर होना है, तो मेरे को भाव और विचार की स्टेबिलिटी, तो जीना आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। चलिए, और कोई अंतर? और कोई अंतर? हाँ जी सर, अंतर नहीं है, क्वेश्चन है। हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि अगर कोई अजनबी है या फिर कोई भी है जिसको हम अच्छे से नहीं जानते हैं, उसके साथ हमें कोई काम करने दे दिया जाए, उसको हम ऐसे ही देखें उनको कुछ काम करता हुआ, तो एक वाइब्स
शब्द आजकल बहुत यूज होता है कि पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उसको जाने बिना भी हम ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे इसके साथ, इससे मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो वाइब्स क्या है? वाइब्स का मतलब वही है, आपके भाव और विचार का जो फ्रीक्वेंसी है। अब दो लोग को साथ में मिलकर दारू पीना है, हो सकता है दोनों की वाइब्स मैच कर जाए, है ना? तो आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको सामने वाला अनुकूल नहीं लग रहा है, तो आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, उसको आप वाइब्स बोलते हो। तो बेसिकली भाव और विचार आपस में मैच करना, भाव और विचार को आप दूसरी भाषा दे रहे हो कि वाइब्स। बढ़िया, और बोलिए सर। भौतिक चीजों के लिए सभी का नजरिया अलग हो सकता है, सभी लोगों के लिए भौतिक चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जो भाव विश्वास सम्मान है वो सभी के लिए एक ही हो सकता है। जोरदार तालियां, शानदार। भौतिक आवश्यकताएं सबके लिए अलग अलग हैं, एक ही व्यक्ति के लिए वो अलग अलग है, आज अलग और कल अलग हो जाती है, लेकिन भाव की आवश्यकता जितने लोग इस संसार से चले गए, जितने हैं और जितने आने वाले हैं, सभी के लिए भाव की आवश्यकता हमेशा एक समान है, इसमें आप चाह के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, तो ऐसा हम क्लियरली पहचान पाएंगे चीजों को। तो मेरा पहचान पाना अच्छी बात है, लेकिन आप पहचानने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मैं ठीक पहचान रहा हूं। गुड। और कोई चीज, और कोई चीज, और कुछ? और कोई अंतर? चलो तो देखिए, जितनी बात अभी तक आपने कही उसमें बहुत अच्छे अंतर आपने दिए, और काफी क्लैरिटी के साथ हम देख पा रहे हैं कि हाँ दो चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि इनको हम खरीद सकते हैं, ये एक सेंस आपकी तरफ से आया और हम अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं। चलो मैथ्स वाला कोई खड़ा हो जाए माइक लेके, मैथ्स वाला कोई एक जन माइक ले ले। जी बोलिए सर। हाँ बस थोड़ा परिचय बताओ। मेरा नाम वोरा विराज है। वोरा विराज? हाँ वोरा विराज। क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? सेकंड ईयर से हूँ मैं। सेकंड ईयर। गाड़ी चलाते हो? हाँ चलाता हूँ। कौन सी वाली? टू व्हीलर? टू व्हीलर बाइक चलाता हूँ। टू व्हीलर बाइक। तो पेट्रोल कितने का खरीदते हो? पेट्रोल महीने का 700-800 का। और पर लीटर कितना आता है? पर लीटर 68 के आसपास ही आता है। 70 कर दे। 70 मान लेते, 70 मान लेते। हाँ जी, तो 70 रुपीज पर लीटर हम पेट्रोल के लिए खर्च करते हैं, है ना? 70 रुपीज पर लीटर में हम पेट्रोल खरीदते हैं। तो 70 रुपीज पर लीटर में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए हम कितना पैसा देते हैं? 70 लीटर में से एक्चुअली हम पेट्रोल के लिए कितना पैसा देते हैं? 50 के आसपास होगा कोई। 50 के आसपास। 20 क्या माइनस किया? 20 वो टैक्सेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट का और जीएसटी का। जीएसटी तो उसमें नहीं लगभग लगता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट और टैक्स वगैरह वगैरह लगते हो। चलो 50 हो गया। तो 50 रुपीज में से एक्चुअली हम पेट्रोल के लिए कितना पैसा देते? वो कारीगर का मजदूरी, उसमें जो फैक्ट्री में कोई काम कर रहा होगा और रिफाइनरीज में, तो उसका सैलरी उसमें से थोड़ा थोड़ा बहुत निकालते होगे, तो हम 45 गिन सकते हैं। 45 गिन सकते हैं। तो 45 में से हम एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना देते? ऐसे तो सर हम गिनते जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत ही बचेगा जो हमको पेट्रोल के लिए गिनेंगे। थोड़ा बहुत मतलब कितना? मेरे ख्याल से तो पेट्रोल तो हमें मुफ्त में मिलता है ना पृथ्वी से, वो हमारी धरती से, वो प्रकृति हमसे क्या पैसा लेती है? प्रकृति तो हमसे पैसा नहीं लेती, उसमें जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है वो हमसे लिया जाता है। तो फिर 70 रुपया किसकी जेब में गया? जो सरकार है उसकी जेब में, और उसके नीचे जो कोई लोग लोग हैं, है ना?
तो फिर पेट्रोल तो फ्री में मिला, तो पेट्रोल के लिए कुछ दिया, पेट्रोल के लिए हमने कुछ पे किया? जी नहीं। तो क्या चीज के लिए पे किया? हमने जो लोग ने उसमें मेहनत की है, जो लोग ने मेहनत की। तो पेट्रोल के लिए हमने कुछ पे नहीं किया, मानव श्रम के लिए हमने पे किया। इसलिए इंग्लिश में अच्छा शब्द है एक्सचेंज, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं आपको अनाज उगा के देता हूं, आपने मेरे को पेट्रोल दे दिया, तो हम एक्सचेंज करते हैं। तो एक बात की क्लैरिटी बनी कि पेट्रोल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, नेचर को हम कुछ नहीं देते हैं। जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें वापस हमने क्या डाला? तो नेचर को हमने कुछ नहीं दिया, नेचर से हमको पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, उसको निकाल के रिफाइन करके है ना, हमारे घर तक पहुंचाने में जितने लोग लग, बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ के बात करते। तो एक क्लैरिटी बनी कि पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पैसा जो दिया है वो मानव श्रम का दिया है, पेट्रोल का नहीं दिया है। बढ़िया। अब आप एक मोटरसाइकिल चलाते हो, कितने की आती है? 60-70 हजार की। 60-70 हजार की, 70 हजार मान लेते। 70 हजार की गाड़ी में से, मोटरसाइकिल में जो उसमें लोहा रबर एल्यूमिनियम लगा है, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया? सर वो तो इसके लिए तो हम ऐसे ही पेट्रोल की तरह कह सकते हैं ना कि उसमें जो स्वेप दिया गया है वो मानव श्रम के द्वारा दिया गया होगा, कोई मशीनरी द्वारा, उसका जो खर्चा है वही हम पे कर रहे हैं। बाकी नेचर से तो हमें लोहा मिल रहा है, वो तो ऐसे ही मिलेगा ना फ्री में। तो इन जनरल हम सर ऐसे कह सकते हैं ना, कोई भी चीज हम प्रकृति से लेते हैं तो उसका पैसा हम पे नहीं करते, ऐसे ही फ्री में प्रकृति से कुछ लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे कि लोहा, पेट्रोल, कोई भी पदार्थ वस्तु है ऐसे ही। लेकिन हम उसको, उसका पैसा जो पे करते हैं वो मानव श्रम का पे करते हैं। तो मोटरसाइकिल फ्री में मिली मतलब मोटरसाइकिल में जो लोहा एल्युमिनियम लगा वो फ्री में मिला, उसको मोटरसाइकिल का शेप देने में जितने लोगों का श्रम लगा उसको हमने 70 हजार रुपए दिया। तो लोहा एल्युमिनियम रबर का हमने कोई पैसा नहीं दिया, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। उसी तरह से हम ये बिजली जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो लाइट के लिए मान लीजिए 10 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आता है। 10 रुपया पर यूनिट कॉस्ट में, और मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा हो रही है, तो 10 रुपया पर यूनिट में से बिजली के लिए कितना पैसा दिया? बिजली तो सर हम ऐसे ही थर्मल पावर से लेते हैं, तो कोई कोलसा वगैरह से वो कोयला और पानी यूज किया, दोनों यूज किया, वो तो प्रकृति से हमें मिला है, तो वो भी फ्री में हुआ, तो वो तो हमसे पैसा नहीं लेती, प्रकृति तो हमको पैसा नहीं लेती है। लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है, मशीनरीज वगैरह, एक्स वाई जेड कोई भी खर्चा होता है उसका, हम श्रम, इन जनरल मानव श्रम। 10 रुपया पर यूनिट बिजली पैदा करने का मानव श्रम है, बिजली के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है बिजली के लिए, क्योंकि बिजली बनाने में जो कोयला और पानी लगा उसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया। तो बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजली को पैदा करने में जो मानव श्रम लगा उसके लिए हमने कुछ पैसा दिया, ताकि उनके भी घर चलते रहे, उनके भी बीवी बच्चों को खाना पीना मिलता रहे। अब जैसे आपने एक शर्ट पहनी, ये शर्ट मान लेते हैं 1000 रुपए की, 500 रुपए की, तो इस 500 रुपए में से शर्ट में जो कॉटन लगा है उसके लिए हमने कितना पैसा दिया? कॉटन तो सर, कॉटन जो इसमें लगा हुआ उसका तो हम कुछ पैसा नहीं दिया ना, क्योंकि वो खेती से हम कॉटन उगाते हैं, तो उसमें जो खेडूत को बीज का जो पैसा लगा हुआ वही दिया। तो और बीज भी खेडूत का बनाया हुआ नहीं है, वो नेचर का, वो भी नेचर का बनाया हुआ है, तो इस तरह वो भी फ्री में आया, जो उसमें भी मानव श्रम का जो पैसा, मेहनत है, उसका ही पैसा हमने दिया। तो शर्ट फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, मोबाइल फ्री, तो आज तक आपने क्या खरीदा? श्रम खरीदा। तो श्रम खरीदा, वस्तु सारी फ्री। क्या लग रहा है? वस्तु सारी फ्री, हमने कोई पैसा दिया है तो मानव श्रम के लिए दिया है, कोई भी वस्तु के लिए पैसा आज तक नहीं दिया है,
कोई वस्तु आज तक हमने नहीं खरीदा, और मानव कोई वस्तु खरीद सके ये उसकी हैसियत नहीं है, ये उसकी औकात नहीं है। तो क्या समझ में आया इस चर्चा से, क्या समझ में आया? हाँ जी बोलिए सर। इसका मतलब है कि हमें जो भी चीजें मिल रही हैं वो नेचर हमें फ्री दे रहा है, लेकिन वो चीजें नेचर से हमें हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिसने हेल्प की है उसकी खुद की भी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो, इसलिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली में हम वो चीजें खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी एक दूसरे की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक दूसरे के श्रम को एक्सचेंज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो ये पता चलने से हमारी मानसिकता में, हमारे भाव और विचार में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? ये पता चलने से हमारी मानसिकता में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये पता चलने से हमारी मानसिकता में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी बोलिए, माइक लीजिए। गुड, सुनिए भाई। सर अगर दो गाड़ी है, एक गाड़ी की कीमत है 3 लाख रुपए और एक की है 30 लाख रुपए, तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो 30 लाख की गाड़ी है वो महंगी है, ऐसे है, तो हम उसको स्टेटस की तरह देखते हैं। अगर हमें इस बात का पता चलता होगा तो हमें ये महसूस होगा कि 30 लाख की गाड़ी है इसलिए उसमें मानव श्रम भी ज्यादा होगा, और जो 3 लाख की गाड़ी है उसमें मानव श्रम, इसलिए एक्सचेंज जो उन्होंने किया उसलिए उन्होंने मानव श्रम को, जिन्होंने ज्यादा मानव श्रम किया उसके लिए पैसे दिए, इसमें स्टेटस का कोई बात नहीं रहेगा। चलो ये एक एंगल आपने नया एंगल दिया, बहुत बढ़िया। और बोलिए और क्या फर्क पड़ेगा, और कुछ फर्क पड़ेगा? मानव कोई वस्तु खरीद नहीं सकता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक लोहे का एटम हम नहीं बना सकते, एक पानी की बूंद नहीं बना सकते, एक बीज नहीं बना सकते, एक सेल नहीं बना सकते। अभी तक हम सेल नहीं बना पाए हैं, जबकि सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास हैं, उसका रेशो भी हमको पता है, लेकिन हमारे मिलाने से सेल में रेस्पिरेशन शुरू नहीं होता, नेचर में सेल बनता है। हाँ जी सर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे मानसिकता में ये चेंज आ सकता है कि हमारा जो दूसरों की तरफ नजरिया है वो बदलेगा, क्योंकि हमें ये समझ में आएगा कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जो जिंदा है, वो जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जिससे उनको जो भौतिक सुख मिलने वाला है वो उनको भौतिक सुख मिले, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे होते कि ये भौतिक सुख की वजह से मुझे मानसिक सुख भी मिलेगा। असलियत में ऐसा होता नहीं है कि क्योंकि भौतिक सुख और मानसिक सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। बढ़िया, और गुड 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 गुड। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी। एक तो कृतज्ञता का भाव मानव श्रम के प्रति और नेचर दोनों के प्रति शायद जनरेट होगा समाज में। बहुत बढ़िया, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग। देखिए 2 मिनट आपको रोक रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, बैठिए 2 मिनट बस, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग राजकोट में रहते हो और मान लेते हैं कि अहमदाबाद या मुंबई में आपका कोई दोस्त रहता है, और आप एडमिशन के लिए किसी और सिलसिले में मुंबई जाते हो, अहमदाबाद जाते हो, अपने दोस्त के यहाँ, दोस्त के घर में आप रुक जाते हो, आप हो सकता है फैमिली सहित हो, तो यदि हम दोस्त के घर में 4 दिन 3 दिन रुकते हैं तो क्या हम उसको पैसे देते हैं? जब आप दोस्त के घर में रुकते हो तो आप क्या क्या ख्याल रखते हो? पैसे तो आप दे नहीं सकते, तो आप क्या ख्याल रखते हो? उसके घर में जो भी साधन सुविधाएं हैं उसका सही यूज हो, सही यूज हो, मिसयूज ना हो, मेरी वजह से उनकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो, और उस फैमिली के प्रति मेरा भाव कैसा रहता है,
कि इन्होंने 3 दिन के लिए मेरे को बिना कुछ लिए मेरे को 3 दिन सब कुछ उपलब्ध कराया, इसके लिए उस फैमिली के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। इस धरती पे हमने भी कोई सामान बनाया नहीं है, जो कुछ है इस धरती पे उपलब्ध है। और 80 साल तक हम सारे साधनों को भोगते हैं, हम लौटा कुछ नहीं सकते हैं। हम लौटा कुछ नहीं सकते हैं तो इस धरती पे जिए तो कैसे जिए? इस धरती पे जिए तो कैसे जिए? कैसे जिए? कैसे जिए? हाँ जी, इस पृथ्वी पर जो व्यवस्था है वो बनी रहे, हमारी वजह से कोई इसमें असंतुलित ना हो जाए। हमारी वजह से कोई असंतुलन ना हो, असंतुलन जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग की जो बर्फ पिघलने लगा है और टाइम पे मतलब कि जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए होती है उस टाइम पे नहीं होती। हाँ, देखिए सब कुछ बदल गया। रायपुर में जब मैं 25 साल पहले आया था तो रायपुर में 3 ही मौसम थे, कम गरम, ज्यादा गरम, गरम। ठंडी नहीं पड़ती थी, बहुत ठंडी के दिनों में भी सुबह शाम स्वेटर निकाल लो तो निकाल लो, दिन में तो शर्ट में काम चल जाता था। अभी मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि अच्छी ठंडी रायपुर में भी पड़ती है, और अभी न्यूज आई थी कि राजस्थान में बर्फ जमी है ना। तो जहां कभी ठंड नहीं पड़ती थी, जहां इवन बारिश नहीं होती थी, वहां बारिशें होने लगी, ठंड बदल, तो मौसम पूरी तरह से बदल रहा है। फलों पे जो बौर आता था, क्योंकि वो तो मौसम के हिसाब से आता है, तो वो बौर भी, बौर समझते हैं ना, आम का बौर आता है ना, तो उसका भी टाइम बदल गया है। तो पशुओं का भी और पेड़ पौधों का भी जो साइकिल है वो साइकिल में भी चेंज आ गया है। बढ़िया, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। सर, जब हमें ये बात पता चल जाएगी कि हम मटेरियल के लिए नहीं मानव श्रम के लिए पैसे देते हैं, तो एक इंडिविजुअल में से अभिमान की कमी हो जाएगी। क्योंकि उसको जब ये पता चल जाएगा कि किसी भी मानव की ये हैसियत ही नहीं है कि वो प्रकृति की किसी चीज के पैसे दे सके, तब उसमें अभिमान की कमी हो ही जाएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी, इधर एक माइक दे। सर, इस समझ से हम में ये चीज आएगी कि ये मतलब हम बांटने का भाव बढ़ जाएगा। मान लो कि मैं किसी चीज के लिए पेमेंट ले रही हूँ, मैं किसी फैक्ट्री की मालिक हूँ और मैं पेमेंट ले रही हूँ। अभी मैं ये मानती हूँ कि ये मेरी फैक्ट्री है इसलिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं, फिर मैं उसको अपने पास संजो के रख लेती हूँ। तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये मानव श्रम है, सबका मिलजुल के है, तो मुझे अकेले को वो चीज नहीं रख लेनी है, मुझे इसको बांटना भी है। देखिए, भाव की बात जो आपने की, आप कहाँ, आप पढ़ाते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो भाव की जो बात आपने की ही, उसी भाव का विस्तार कैसे दिखाई देता है। कल आप थे कि नहीं थे मुझको नहीं पता, मैंने एक डायमंड फैमिली की बात की थी कल विसनगर के पास, उनकी फैक्ट्री में 5,000 लोग काम करते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमको अपनी फैक्ट्री का ऐसा डिजाइन बनाना है कि अंतिम व्यक्ति इसमें पार्टनर हो। ठीक, आ गया वो भाव कि मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला अंतिम व्यक्ति भी मेरी फैक्ट्री में पार्टनर होगा, ऐसा डिजाइन कैसे बने। तो इसका मतलब है कि लोग पहले से भी अच्छा सोच ही रहे हैं, लेकिन यदि उस सोच को ग्राउंडिंग मिलता है, उस सोच को आधार मिलता है, तो उसको व्यावहारिकता में लाना, प्रैक्टिस में लाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी इस तरह का काम कुछ लोग करते हैं तो वो आदर्श कहलाता है, जबकि ये पता चला कि मेरे सुखी होने के लिए ऐसा करना मेरी जरूरत है। अभी कोई इक्का दुक्का लोग ऐसा सोचते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा कोई अच्छे टाइप के लोग हैं, सभी ऐसे नहीं हो सकते। फिर पता चलता है कि ऐसा सोचना, ऐसा जीना तो मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है, मैं ऐसा नहीं सोच पाऊंगा तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, तो आदमी नॉर्मल हो जाएगा। ये जो इसने कहा कि अभिमान से मुक्त होगा, अहंकार से मुक्त। आपको बढ़िया एक किस्सा सुनाता हूं, एक घटी घटना सुनाता हूं।
नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कुछ लोग पहचान सके। पुणे में एक आईटी जितने आईटी पार्क जितने हैं वो किसी एक व्यक्ति के काफी सारे आईटी पार्क हैं, और एमबी वैली आदि आपने सुना होगा तो प्राइवेट हाउसिंग है लोनावाला के पास, वहां एक उनका एक घर था, वहां मैंने एक शिविर किया था। तो उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऑर्फनेज में पले, अनाथालय में पले, और अनाथालय में जो लोग शादियां करते थे वो अपनी शादियों में, ये जो अभी जो इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का चलन चला है अभी, पहले ऐसा नहीं था, तो पहले अनाथालय के बच्चों को लोग अपने शादी में काम कराने के लिए ले आते थे और उनको कुछ दे देते होंगे। तो अक्सर शादियों में उनको काम करने के लिए बुलाया जाता था, तो वहां वो देखते थे कि खाने की कैसी बर्बादी होती है, और अनाथालय में उनको खाने नहीं मिलता है। वहां से उनके मन में वो क्रोध पैदा हुआ कि ये महंगी खर्चीली शादियां ठीक नहीं है, इनका विरोध करना है। तो जब वो जवान हुए तो उन्होंने 10-20 युवाओं की अपनी टीम बनाई, और जहां भी खर्चीली शादी होती थी उसके सामने टेंट लगा के धरना देते थे। खर्चीली शादी बंद करो। अब जिसके यहां शादी होती थी उसके लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाता था, तो कोई लोग बुलाते थे, कोई लोग बात करते थे, कोई लोग गुस्सा करते थे, कोई लोग मान जाते थे, ऐसा वो स्ट्रगल चलता रहता था। तो उन्होंने बताया कि एक शादी में हमने ऐसी सामने टेंट लगा के और हमने धरना दिया, और वो आदमी हमको घर में, सबको घर में बुलाया, बढ़िया घर में बिठा के खिलाया पिलाया, और वो फिर उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे वो जीरो से खड़ा हुआ, कैसे उसके पास पैसे नहीं थे, उसने गरीबी झेली, फिर योग संयोग बने, उसका बिजनेस आगे बढ़ा, फिर उसने बहुत पैसा कमाया। फिर वो रो के बोला, आज मेरी इकलौती बेटी की शादी है, मैं इतनी मेहनत करके पैसा कमाया हूं, मैं इसमें खर्च नहीं करूं, तुमको ऐसा क्यों लगता है? अब वो बात इतनी इमोशनल थी कि वो बात उनके दिल को लग गई। उसके बाद से उनका खर्चीली शादियों का विरोध बंद कर दिया, आंदोलन बंद हो गया। अब शिविर करने के बाद बोले यार मेरा आंदोलन तो सही था, तुमने कहीं से भी कमाया पर तुम मिसयूज तो नहीं कर सकते, मिसयूज करने का अधिकार तुमको नहीं है। कुछ कंट्रीज में अभी आपने सुना होगा, पिछले दिनों एक न्यूज आई थी, इंडिया का कोई था, उसने खाना खा के थाली में खाना छोड़ दिया था, फिर वहां के लोगों ने उसको काफी बोला, मतलब खाने में झूठा, आपने बिल पूरा दिया है होटल में लेकिन आपने खाना छोड़ दिया है, ये अपराध है, आप खाना नहीं छोड़ सकते। कुछ कंट्रीज में इस तरह के भी रूल रेगुलेशन है। तो इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्स है वो नेचर का है, जो भी रिसोर्स है वो देश के, विश्व के सभी लोगों का है, उस पर कुछ ही लोग उसको दबा के बैठ जाएंगे और बाकी लोगों को उपलब्ध नहीं होने देंगे, ऐसा उचित नहीं है, ये बात पे हमारा ध्यान जाता है। इसका मतलब है कि यदि सही अर्थों में हमारा ध्यान जाएगा तो हमको पहली बार पता चलेगा, जैसे आपको ये भी ध्यान होगा, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, वो आदमी को खरीदने बेचते दास प्रथा थी, तो जब दास प्रथा थी तो जिस आदमी के पास जितने ज्यादा दास होते थे सामाजिक रूप से वो आदमी उतना बड़ा आदमी कहलाता था। धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ी और हमने ये पाया कि आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है, आदमी आदमी के साथ विश्वास और सम्मान के साथ जीने की चीज है। इसलिए मात्र पिछले 40 साल 50 साल पहले हमको समझ में आया है कि आदमी में समानता का व्यवहार, बराबरी का व्यवहार की जरूरत है, आदमी दास नहीं हो सकता। तो आज कम से कम पूरे प्लेनेट पे ऑफिशियली दास प्रथा खत्म हो गई, अनऑफिशियली कहीं चलता होगा तो अलग बात है। तो मात्र 50 साल पहले हमको समझ में आया कि आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है। हो सकता है इस आत्म यूनिवर्सिटी में जो प्रयोग शुरू हुआ है, अगले 25 साल में इस धरती के लोगों को यह भी समझ में आए, सुन लीजिए, कि प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है, ये भी
खरीदने बेचने की चीज इस सेंस में है कि वो दूसरे को उपलब्ध हो जाए, लेकिन चीजें स्टॉक करके उसके रेट बढ़ा दें और फिर हम निकाल देंगे, ये अपराध है, ये गलत है। तो धीरे से हमको ये भी समझ में आएगा कि जैसे मानव खरीदने बेचने की चीज नहीं है, है ना, मानव की भी हम सेवा लेते हैं। एक आदमी हमारे यहाँ आके हमारा फैन रिपेयर कर देता है, कूलर रिपेयर कर देता है, इसका मतलब नहीं है वो हमारा गुलाम हो गया है, हम उसकी सेवा का पैसा देते हैं। उसी तरह से मानव की सेवा भी हमको एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह से भौतिक वस्तुएं भी खरीदने बेचने की चीज नहीं है, वो मेरा अहंकार की चीज नहीं है, वो उपयोग की चीज है ना। इस तरह से जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है, वस्तुओं का सदुपयोग बढ़ता है ना। और एक आदमी कम ऋणी होकर मरना चाहेगा कि ज्यादा ऋणी होकर मरना चाहेगा? कम ऋणी होकर मरना चाहेगा। तो सदुपयोग करने वाला बड़ा आदमी कहलाएगा कि मिसयूज करने वाला बड़ा आदमी कहलाएगा? सदुपयोग करने वाला बड़ा आदमी कहलाएगा। तो अभी जिसके पास चार कारें हैं वो बड़ा आदमी है, या जो कार का सदकार आवश्यकता अनुसार रखता है, आवश्यकता नहीं है तो नहीं रखता है, ये सम्मान का सूचक होगा। ठीक हो गया। बाकी लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग रातों रात बदल जाएंगे ये होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम मैं खुद का सम्मान कर पाता हूं कि मेरे पास कार है तो, नहीं है तो, है ना, और कौन सी है तो मुझको पता है कि मैंने क्यों रखा है, मैं साधन का सदुपयोग कर पाता हूं, इसलिए मैं स्वयं में सम्मानित होता हूं, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाता हूं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीता हूं। जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में जीता हूं तो मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदाई होता है, दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं ये उनकी हेडक है, मैं अपने में खुश रहता हूं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। जैसे मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं, तो किसी को खराब लगता है, सोम भाई आप 52 के हो गए, आपके पास अभी तक गाड़ी नहीं है, तो मेरे से आपका दुख देखा नहीं जाता है। तो आप एक ड्राइवर सहित गाड़ी मेरे यहां भेज दो ताकि आप दुखी ना हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। जिसको मेरे से मिलने आना है वो मेरे घर आ जाओ, जिसको पत्थर से मिलने आना है वो लाल किले चले जाओ। मुझको वो लोग नहीं चाहिए जो मेरा घर देख के आते हो, मैं उन लोगों के साथ बैठना चाहता हूं जो मुझसे मिलने आते हो। खत्म। बढ़िया। अपनी जिंदगी अपने हाथ में, अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरे को नहीं देना है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना है कि नहीं होना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन यदि हमारे को समझ बनती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, तो हमारी समझ हमारे पास है, हम दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होते, बल्कि दूसरे हमारी योग्यता से प्रभावित होने लगते हैं। तो हमको दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना है कि दूसरों को हमारी योग्यता से प्रभावित होना है? तो दूसरों को हमारी योग्यता से प्रभावित होना है, हमको दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है। इसका नाम जीना है, नहीं तो खाना पीना है, खाखरा फाफरा ढोके। गुड, बढ़िया। तो शानदार, क्या क्लैरिटी बन गई? क्या क्लैरिटी बन गई? ठीक हो गया। चलो, कल एक चर्चा किया था, अभी अभी थोड़ा समराइज करने की तरफ चलें। तो कल एक चर्चा किया था कि 15 तारीख को टाइम क्या बताया, कुछ चेंज कर रहे थे आज, क्या चेंज किया? नहीं, चेंज कर दिया, बताइए। अच्छा, ब्रेक के बाद कर दीजिए, आप पहले अनाउंसमेंट कर दीजिए। रखी गई, हाँ जी, सुन लीजिए। उसके पीछे पर्पज ये था कि आपको कंटेंट से इंट्रोड्यूस करना कि किस तरह की बात है,
अब कितने लोगों को लगता है कि ये बात मेरी जिंदगी की मेरी जरूरत है, मैं आत्मीय में रहूं नहीं रहूं? कितने लोगों को लगता है कि ये बात मेरी जरूरत है? ठीक हो गया, क्योंकि मैं भी आत्मीय से नहीं हूं। तो और देश भर में हम इसको शेयर कर ही रहे हैं, और कल को मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो संसार में और हम मिलके बेहतर काम कर पाएंगे। हर आदमी सुकून के साथ जिए, हर परिवार सुकून के साथ जिए, समाज जीने के लिए बेहतर जगह हो। कल हम इस संसार से जाएं तो आने वाली पीढ़ी हमको गाली देके मत जाए, यार कैसा संसार तुमने हमको बना के दिया है, है ना? वो हमारे प्रति गर्व से धन्यवाद करके जाएं, यार कुछ बढ़िया लोग थे, कुछ बढ़िया संसार बना के दिया। तो मैं ही कह रहा हूं कि कल चूंकि आज चूंकि काफी लोग छुट्टी की वजह से, आज संडे है ना, काफी लोग संडे की वजह से हो सकता है नहीं आए होंगे, और काफी लोग किन्हीं और कारणों से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो एक तो आप और आपके सारे मित्रों में से, तो हम एक आगे का सुन लीजिए, हम इसमें करेंगे ये कि आपके जैसे आप बीएससी मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आप चल रहे हैं 3 दिन के बाद, तो जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं तो उनको सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग में और सेमेस्टर मिडिल में 2 वर्कशॉप देंगे। उन 2 वर्कशॉप के थ्रू ये सारा जितना क्लियर डिटेल है, अभी तो बहुत शुरुआत हुई है, ये डिटेल आप तक पहुंचेगा। तो 2 वर्कशॉप करने से आपको आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर मतलब बीएससी के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन हैप्पीनेस एंड वेलनेस के नाम से आपको 1 सर्टिफिकेट और हो जाएगा। साथ में आपकी जिंदगी में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ जीना के लेके मेरा कितना क्लैरिटी बनता है, ये एक स्थिति बनेगी। सेकेंड ईयर में जो लोग कंटिन्यू करेंगे उनको डिप्लोमा इन हैप्पीनेस एंड वेलनेस, फिर थर्ड ईयर में करेंगे तो आगे भी कुछ कुछ सोचा है, धीरे धीरे और उसको आगे खोलते जाएंगे। तो आप और आपके जितने लोगों को, जितने मित्रों को ये लगता है कि ये मेरे समझने लायक बात है, तो इसमें अपने आप को जैसा आपने लिंक के लिए बताया है उसमें आप लोग एनरोल कर देंगे और धीरे से फिर आगे बनाने का कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक है 8:30 to 10:30, तो 8:30 to 10:30 15th ऑफ दिस मंथ है ना, जनवरी। तो 8:30 to 10:30 15th ऑफ जनवरी आप और आपके सारे मित्र जो यहां हैं और नहीं हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ हम 3 घंटे बातचीत करें ताकि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में ट्यूनिंग का माहौल बने और आगे एक बेहतर परिवार में जीने का माहौल बने, तो आप उनके फोन नंबर फोन कर रहे हैं, इन्होंने वो फोन नंबर दे दिए, दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो और कुछ नहीं कहना, खूब बढ़िया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद 2:45 से हमान नहीं मिलता, लेकिन जनरली अभी जो लोग सोसाइटी में है उन सबकी मानसिकता, जिसका पार्ट हम भी हैं एक, हम सबके हिसाब से यही होता है कि जितना हम फैशन, जैसे कपड़े की बात करें तो अगर हम फैशन और ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अगर किसी के पास मर्सिडीज है बीएमडब्ल्यू है तो उसका सम्मान होता ही है। जनरली हम देखते हैं, हम भी अगर किसी के पास रोड पे अगर देखें कि किसी के पास मर्सिडीज है तो हम बोलेंगे कि यार बहुत पैसे वाला है, इसकी पोस्ट कोई अच्छी होगी, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मिलता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल सोसाइटी में ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। चलो मैं आपको एक काम देता हूं, अपनी कॉपी में उन 2 लोगों के नाम लिखिए जिनकी आप दिल से इज्जत करते हैं। अपनी कॉपी में उन 2 लोगों के नाम लिखें, 1 लोग के नाम लिखिए, है ना, नहीं है तो मत लिखिए भाई, किसी की जिंदगी में ऐसा है ही नहीं तो क्या करोगे, कहां से लाओगे, है ना। तो यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप दिल से इज्जत करते हो और हमेशा करते हो, और जब भी उसको याद करते हो तो लगता है कि हाँ इज्जत करने लायक आदमी है, यदि है तो नाम लिख डालिए 1, 2, 3 जैसी स्थिति है वैसा। और जो जिंदा है आपके सामने उन्हीं का लिखना, गांधी जी का मत लिख देना, वो आपके आसपास जीता हुआ हो, है ना, बुकिश नाम नहीं लिखने, यदि है तो लिख डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं।
लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, पूरा हाथ तो उठाएं कम से कम, ऐसे ऐसे। कितने लोगों ने नहीं लिखा? वो भी हाथ उठाएं, संकोच नहीं करें, इसमें कोई बात नहीं है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा, आप कोई है ही नहीं तो कहां से लिखोगे। दूसरी बात है, दो से ज्यादा है तो ज्यादा लिख लो, कॉपी में भी जगह है, अपने को लिखना भी आता है, पेन में इंक भी है, जितने हैं उतने लिख दो, ठीक। हाँ जी, तो अब देखिए उन नामों को पढ़ के देखिए, उन सारे नामों को पढ़ के देखिए, क्या ये वो नाम है जिनके पास BMW है इसलिए लिखा? क्या ये वो नाम है जिनके कपड़े बहुत पसंद आते हैं इसलिए लिखा? क्या ये वो नाम है इन्होंने PhD कर रखी है इसलिए लिखा? तो क्यों लिखा आपने, क्यों लिखा, किस वजह से लिखा आपने, इन लोग का नाम क्यों लिखा है? कोई एक जन माइक से बोलो, आपने इन लोगों का नाम क्यों लिखा है? हाँ जी, माइक लीजिए। ये देखो, एक दूसरे को देख रहे, अपना लिखा हुआ नहीं। देखिए, मैं ये तो समझ पा रहा हूं कि गुजराती और हिंदी की वजह से आपको बोलने में संकोच होता है, क्योंकि जब मैं आपको वो सीट पे बैठ के बोलता हुआ देखता हूँ तो बहुत तेज तेज बोल रहे होते। सर, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो दयालु है, हम हेल्प करता है और दूसरों को भी हेल्प करता है, उसको ही हम रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, ना कि जिसके इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? अर्जुन के नहीं हाथ उठ रहे हैं, वो क्या चीज से सहमत है? फिर से बोलो। जो दयालु है, दूसरों को हेल्प करता है, इसके ऐसे लोगों को हम रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। वैसे जैसे जो ज्यादा पैसे वाले हैं और किसी को हेल्प नहीं करते हैं, तो हम उसको ऐसे दे देते हैं, मान सम्मान दे देते हैं, पर दिल से नहीं देते हैं। तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने नाम लिखा और किसी कारण से लिखा हो तो वो भी बताइए। तो देखो, ये तो क्लैरिटी आती है कि यदि आपने केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखा है जिनका आचरण आपको स्वीकार है, आपने उन्हीं लोगों का नाम लिखा है जिनका आचरण आपको सम्मान स्वीकार है, तो जब आपने BMW वाले का नाम नहीं लिखा है तो दूसरा भी BMW वाले का नाम क्यों लिखेगा? तो यही हमको पहचानना है कि अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, इसको और समझने की जरूरत है। जैसे ABCDE, हाँ जी, बोर्ड पे सभी, ए बी से ज्यादा है, बी सी से, सी बी से ज्यादा है, डी इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, धन के मामले में, पद के मामले में और किसी मामले में। हाँ जी, बी ए से ज्यादा है तो अपनी तुलना में ए बी को सफल मानता है कि असफल मानता है? सफल मानता है। बी अपनी तुलना में सी को सफल मानता है, सी अपनी तुलना में डी को सफल मानता है। लेकिन बी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? क्योंकि हमेशा आदमी अपने आगे वाले को देखता है कि पीछे वाले को देखता है? सामान्यतः आगे वाले को देखता है। आगे वाले को देख के डिप्रेशन में चला जाए तो बाकी लोग बोलते हैं अब पीछे वाले को देख ले, तुमसे भी तो कितने लोग कम हैं, किसी की 2-4-5 हड्डियां टूट गई, बोले तुमको भी जितना कष्ट नहीं है तो हॉस्पिटल जाके देखो, तुमसे भी ज्यादा कष्ट लोगों को है। तो डिप्रेसिव आदमी अपने से कम वालों को देख के थोड़ा साहस जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामान्य आदमी अपने से कम को देखेगा कि अपने से अधिक वाले को देखेगा? अधिक वाले को देखेगा। तो उस पूरी चेन में बी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? सी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? डी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? तो ए किसको फॉलो करता है एक्चुअली? ए सही अर्थों में एक सफल आदमी को फॉलो करता है कि असफल आदमी को? असफल आदमी को। बी एक सफल आदमी को फॉलो कर रहा है कि असफल आदमी को? डी सी एक असफल आदमी को फॉलो करता है कि? और 10 साल मेहनत करके बी सी हो जाता है, सी डी हो जाता है,
उसके बावजूद भी सफल रहता है कि असफल रहता है? गई भैंस, हो गया। ये बात अभी समझ में आ जाए या जिंदगी के 30 साल लगा के समझ में आ जाए तो अलग बात, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं बढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास 10 फैक्ट्री ना हो, हमारे पास उपलब्धियां ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा जरूर कह रहा हूं कि जब भी आदमी, अच्छा एक बात और ध्यान दो, सुनो एक बात और, नमस्कार, इधर इधर वालों कर रहा हूं, एक बात और देखो, एक बात और ध्यान से सोच सकते हैं कि जिंदगी में बड़े काम किन लोगों ने किए? जो दूसरों से आगे निकलना चाहते थे उन्होंने बड़े काम किए, या कोई और रीजन था? जिन भी लोगों ने जिंदगी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, ये कौन लोग थे? दूसरों से आगे निकलने की चाहत रखने वाले लोग थे? दूसरों से आगे निकलने की चाहत रखने का मतलब ही है कि अपने आप में सुरक्षित आदमी कि अपने आप में असुरक्षित आदमी? अपने आप में असुरक्षित आदमी दो रोटी खाएगा और जिंदगी पाके निकल जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, ये कौन लोग थे? किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, कैसे लोग थे ये, क्या क्वालिटी थी इनकी? ये केवल वो लोग थे जो केवल अपने काम को एंजॉय करते थे, ये केवल वो लोग थे जो केवल अपने काम को प्यार करते थे। तो प्यार होना और खुद से प्यार होना, अपने काम से प्यार होना, अपने काम को एंजॉय करना, जो अपने काम को एंजॉय कर सकता है उसके पास मोटिवेशन कंटिन्यूअस है, जिसके पास कंटिन्यूअस मोटिवेशन है वो लगातार काम कर सकता है, जिसकी मोटिवेशन दूसरों को देख के आती है उसकी मोटिवेशन कंटिन्यूअस मोटिवेशन ही नहीं है, है ना, कभी कभी हाइपर हो जाता है, कभी डिप्रेसिव हो जाता है, ये बहुत आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य हमको अपने में स्वीकार होता है, दूसरों से आगे निकलना ये बहुत डरा हुआ इंसान है, क्योंकि दूसरों से आगे निकलना वही चाहता है जिसको अपने पीछे होने का एहसास होता है। जिसको अपने पीछे होने का एहसास नहीं होता है तो उसका एग्जाम्पल है, जब अपने बच्चे के साथ दौड़ लगाते हैं तो हम जीत के भी हार जाते हैं, हार के भी जीत जाते हैं, जानबूझ के हार जाते हैं कि दूसरे को जिता के उसको खुश कर, उसको खुश होते हुए देख के मैं खुश हो लेता हूं। तो इसका मतलब है जब मैं किसी के साथ संबंध फील करता हूं तो उसको आगे बढ़ा के खुश होता हूं, जब मैं किसी के साथ संबंध फील नहीं करता तो उसको हरा के खुश होता हूं। बात समझ में आ रही? तो हारा हुआ आदमी जीतना चाहता है, जीता हुआ आदमी जिताना चाहता है। तो कैसे लोग बनना चाहते हो? हारे हुए लोग बनना चाहते हो कि जीते हुए लोग बनना चाहते हो? तो आगे दूसरों से आगे बढ़ना है कि दूसरों को आगे बढ़ाना है? बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है? बढ़िया आदमी हमेशा बढ़िया होता है, बड़े आदमी के छोटे होने की संभावना बनी ही रहती है। बड़ा आदमी हमेशा इनसिक्योर होता है क्योंकि कोई दूसरा उससे बड़ा होना ही चाहता है, वो भी किसी दूसरे के तुलना में बड़ा है। जब भी कोई चीज सापेक्षता में है, जब भी कोई चीज कंपैरेटिव है, वो खतरे में है ही। जब भी कोई चीज अपनी एब्सोल्यूटनेस के साथ है, अपनी संपूर्णता के साथ है, अपनी टोटैलिटी के साथ है, वो हमेशा अपने में जिंदा है, अपने में है, उसको किसी का फिर डर नहीं है, उसको अपने वजूद का खतरा नहीं है कि कोई मेरी जगह हथिया लेगा, कोई मेरे को पीछे कर देगा। तो मेरे को लगता है ये क्लैरिटी बन रही है। सम्मान क्या चीज है? इसका मतलब है, इसका मतलब है यदि हम सामान से सम्मान की तलाश में है तो हमको सम्मान समझ में आया कि नहीं आया? फिर से पूछ रहा हूं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। यदि हम सामान से सम्मान की तलाश में है तो हमको सम्मान समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। और 2 लाख साल से इस धरती पे हैं, अभी तक सम्मान समझ में कितने लोगों को आया? 1% भी निकलेगा नहीं, 1% भी होता तो धरती का कल्याण हो जाता। तो सम्मान समझ में नहीं आया,
यदि आदमी सुविधा से सुख की तलाश में है, सुख का मतलब स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, यदि आदमी भौतिक वस्तुओं से इंद्रिय सुख से सुविधा की तलाश में है तो क्या इसको सुख समझ में आया? नहीं आया। इसको सुख समझ में नहीं आया, इसको सम्मान समझ में नहीं आया, इसको जीना समझ में नहीं आया, इसके बावजूद भी हंस लेता है, क्या बुरा है? ये संबंधों में मार खाएगा ये पक्का है, लिख के दे सकता हूं आपको। यदि आप जिंदगी को नहीं समझते हो, आप किसी के साथ भी शादी कर लो, कितनी बार भी, अरे अपने यहां तो क्या है कि नॉर्मली एक ही शादी करते हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से लोग आते रहे जो जिंदगी में 3-4-5 शादियां एक के बाद दूसरी, एक से नहीं बनी दो। लंदन में संबंध की एवरेज उम्र 4 साल है, संबंध की एवरेज उम्र 4 साल है। जैसे किसी ने शादी किया 10 साल चल गई, किसी ने शादी किया 5 साल में टूट गई, 1 साल में टूट गई, तो एवरेज किया तो 4 साल बचे। तो संबंध की एवरेज उम्र 4 साल है। अब पूरी जिंदगी में एक शादी किया, फिर कुछ साल रहे, फिर कोई मिल गया, फिर एक शादी कर लिया, फिर टूट गई, फिर कुछ साल रहे। हम ये शिविर करते थे तो लंदन से भी कुछ लोग एक समय रहा आते रहे। एक महिला आई थी, उसकी एज 54 थी। मेरे को कैसे पता चला, महिलाओं की तो एज नहीं पूछते। तो उसने मेरे से टिकट करवाई थी, टिकट कराई तो एज बताएगी। तो उसकी एज 54 थी। उसने बताया कि उसकी 3 शादियां हुई और 3 डिवोर्स हो गए। अब उसको लगता है वो पहले वाला ही ठीक था। देखो, जो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, हमारी जिंदगी को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, उसकी हमारी एजुकेशन में कोई जगह नहीं है। इमोशन हमारी जिंदगी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। मेरी पहचान, मेरा सम्मान, मेरे संबंध, मेरे रिलेशन, मेरे अपने, ये मेरी जिंदगी में सबसे अधिक मैटर करता है ना? इसकी हमारी कोई समझ नहीं है। केवल बस एक पैकेज, पैसा कहीं से मिल जाए, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, इसी को हमने जिंदगी माना है। बहुत छोटे अर्थों में जिंदगी को देखा है। तो यहां से ये हमारी क्लैरिटी बनती है कि सम्मान और सुख हमको समझ में नहीं आया, ये हमारी क्लैरिटी बनती है। इसकी वजह से हमारी सारी पीड़ा है, हमारी सारी पीड़ा का कारण ये है। पिछले समय में जितने हमने चर्चा की उससे हमारी क्लैरिटी क्या बनी, तो क्या समझ में आया? अब तक जितनी चर्चा की उससे क्या समझ में आया कि सुख क्या है? हाँ जी, पूछ रहा हूं आप सभी से, सुख क्या है? कितने लोगों की क्लैरिटी बनी कि सुख कुछ समझ में आया? कितने लोगों की क्लैरिटी बनी? चलो, पिछले 3 दिन में, आज 3रा दिन है, हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कौन बोल के बताएगा कि मेरे को इन 3 दिन में सुख के रूप में ये फीलिंग आई, या ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, या मैं सुख को ऐसे समझ पाया? कौन बोल के बताएगा? कौन बोल के बताएगा सुख क्या है, क्या समझ में आया? 3 दिन से आप यहां बैठे हो, आज 3रा दिन कल से बेहतर है कि नहीं? आज आपका लिसनिंग पहले से बेहतर है, आपका कंसंट्रेशन पहले से बेहतर है। अब आप मर्जी से बैठे हो कि जबरदस्ती बैठे हो? कितने लोग मर्जी से बैठे हैं, हाथ उठाओ। पक्का? पक्का। तो क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? क्या अच्छा लग रहा है? स्वीकृति है इसलिए। क्यों स्वीकृति है, यही पूछ रहा हूँ। सुख कह रही है, स्वीकृति है ये। क्या सुख मिल रहा है, वही पूछ रहा हूँ। जीवन जीने के लिए मेरे को जो सुख चाहिए उसका, जो मेरे जिंदगी, जैसे कोई एक एग्जांपल देके बताओ कि ये सुख मिला, ये अच्छा लगा,
चलो मैं दो मिनट रुकता हूँ, एक बार लिख डालिए अपनी कॉपी में पिछले 3 दिन में क्या अच्छा लगा, एक बार लिख के तो देखो पिछले 3 दिन में आपको क्या अच्छा लगा। कितनी लाइनें आप लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4। पिछले 3 दिन में आपको क्या अच्छा लगा? लिख के देखिए, जब लिखेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ कुछ है कि नहीं है, यानी तो पिछले 3 दिन में क्या अच्छा लगा एक बार लिख डालिए। मेरा इस तरफ ध्यान गया कि ये हमारा एक असफल प्रयास है कि हम सामान से सम्मान और सुविधा से सुख पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सम्मान और सुख वो तो निरंतर हमें चाहिए और सामान और सुविधा तो निरंतर है नहीं। बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम अस्थाई चीजों से, मतलब अस्थाई वस्तुओं से हम स्थाई चीज पाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तीसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि जिसके पास अच्छी स्किल है वो अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरफ मैं ध्यान दिया, स्किल अच्छी हो आदमी बहुत खराब हो सकता है, आदमी बहुत अच्छा हो स्किल अच्छा ना हो ऐसा भी हो सकता, किसी हद तक हो सकता है, लेकिन अच्छा क्या होगा, स्किल भी अच्छी हो आदमी भी अच्छा हो। गुड। हाँ जी सर, पहले तो आपने जो बोला था कि दूसरों की अक्षमता का दूसरों से अक्षमता से प्रभावित होना ही हमारी अक्षमता है, तो मैंने ये कई बार ये एक्सपीरियंस किया था कि कुछ लोग मेरा इंसल्ट करते थे तो उसके लेके मैं बहुत दुखी होता था, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग मेरा इंसल्ट कर रहे थे तो उसका विचार खराब होगा ना, मेरा तो नहीं, तो अब ये बात आप प्रभावित होते हो इसलिए उसको प्रभावित करने में मजा आता है। आप प्रभावित होना बंद कर दो उसकी भैंस पानी में, तो ये और हमारी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, ये बात मेरे को अच्छी लगी। कई बार मैं मेरा भाई कुछ तूफान वगैरह करता था तो मैं उसको डांटता था, क्रोधित हो जाता था, तो ये तो मेरे में कब से इम्प्रूवमेंट आया कि जब से मैं UHV में वो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे तब से मेरे में इम्प्रूवमेंट आया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हमारी ही अक्षमता का प्रदर्शन है कि हम उसको ये हमको स्वीकृत नहीं है। और ये हमने पहले दिन ही सीखा था जब हमारा इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था UHV का, त्यारे तब सभी मनुष्य का अल्टीमेट गोल सुखी में जीना है, और जीना है तो जिंदा रहने का उसमें शामिल हो जाता है, और जिंदा रहना है उसमें जीना शामिल नहीं होता, ये पहले दिन हमने ये सीखा। और रोटी कपड़ा मकान और गाड़ी मोबाइल ये सब आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में वो मैंने उतारा। तो इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे जीवन में ये फर्क पड़ेगा कि खोराक मैंने जब वो इंदौर मैंने मुलाकात उसका विजिट किया था वो मानव चेतना विकास केंद्र का, वहां मैंने ये सेंटेंस पढ़ा था कि खोराक हमारे पोषण के लिए होता है, हमारे शरीर के पोषण के लिए, तो हमें इतना खोराक खाना चाहिए कि वो उससे हमें शक्ति मिले, ना कि ज्यादा खाना चाहिए कि हमें सुख उससे सुख नहीं मिलता है, वो हमारे शरीर के पोषण के लिए है, तो कैसा खाना है क्यों खाना है और किस लिए खाना है ये हमको पता होना चाहिए, तो मेरे को ये पता चला। और ये हम मोबाइल की बात करते हैं तो कुछ लोग मैं भी पहले मोबाइल में फिल्म वगैरह देखता था और कुछ गेम्स खेल रहा था तो उससे सुख मिलता था, अब मैं मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं एक भी फिल्म नहीं है, तो ये इम्प्रूवमेंट मेरे में आया कि मोबाइल का यूज किस लिए किया जाता है। हाँ देखिए, पहले भी ये चर्चा हुई कि मानव और पशु में अंतर इतना ही है कि मानव में सोचने की ताकत है, तो आप ये सोच ही सकते हो ना कि मोबाइल मेरे को चलाता है कि मैं मोबाइल को चलाता हूं,
ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? तो मोबाइल आपको चलाता है कि आप मोबाइल को चलाते हो? कितनी बार आपका हाथ अपने आप उठ के मोबाइल की तरफ जाता है और कितनी बार आप उसमें इतना सारा टाइम पास कर रहे होते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो यदि टाइम का, यदि मोबाइल का मीनिंगफुल यूज होता है तो आप मोबाइल को यूज करते हो, यदि मोबाइल के ढंग से टाइम पास का जुगाड़ होता है तो मोबाइल आपको यूज कर रहा है। तो तय मेरे को करना है कि मोबाइल मेरे लिए है कि मैं मोबाइल के लिए हूं। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मैं भी पहले जब यूएचवी का जो हमारे कॉलेज में जो कोर्स था उससे रिलेटेड था, उसके पहले मैं ये सोचता था कि दूसरों से हमें सम्मान मिलता है, हमें दूसरों से सम्मान मिलना चाहिए, यही मेरी जिंदगी है। अब इससे मैं ये कोर्स से सिलेबस से मैं कॉन्टेक्ट में आया तब मेरे को ये लगा कि मेरा खुद का सम्मान मुझे ही करना चाहिए। मैं अपने को सम्मान नहीं देता हूं तो दूसरा मेरे को क्या देगा? क्यों देगा? आप सम्मान के लायक नहीं हो। हाँ। खोटा सिक्का जो अपनी नजरों में नहीं चलता है उसको दूसरा चला ले, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो स्वयं में सम्मानित है वो बाहर से भी सम्मान पाता है, जो स्वयं में सम्मानित नहीं है वो बाहर से पाए तो भी उसको समझ में नहीं आता है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी जब से हमने मेरे मैडम ने जब ये मेरे टीचर ने ये पढ़ाया था कि हमें दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तब से मेरे जीवन में इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं खुद को सम्मान दूं ना कि मैं दूसरों के पास से आशा रखूं। तो ये सब सारी चर्चाओं में और ये सारी ऑब्जर्वेशन में आपका भाव और विचार पहले से स्थिर हो रहा है कि अस्थिर हो रहा है? मेरा विचार स्थिर हो रहा है। स्थिर होने से आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ये एक मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी पहले हमारे माता पिता हमको डांटते हैं, हमारे जीवन में एक बार तो कभी हमारे माता पिता ने डांटा ही होगा, तो मेरे मम्मी पापा जब मेरे को डांटते थे तो पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों। अब वो डांटते हैं तो मैं उसको समझता हूँ, वो डांटते हैं हमारा अच्छा के लिए वो है, तो उसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारे माता पिता है, हमारे कभी कभी उससे वो भूल से वो हमको बोल देते तो हमें इसका हमें दुखी नहीं होना है। हाँ। उसका रिएक्ट नहीं और करना। डांट खाते समय सोचना है कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा कि कुछ और करूंगा? नहीं नहीं, हमें उसके साथ ये सही है तो उसको समझाना है, ना कि उसके उसके पर क्रोध करना है, क्योंकि क्रोध है हमने अभी सीखा कि क्रोध हमारी अक्षमता का ही प्रदर्शन है, तो उसको समझाना है अच्छे से कि ये बात ऐसी नहीं ऐसे ही है। तो ये हम लोगों को ये जीना क्यों नहीं आया? हम लोगों को परिवार में जीना क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हम अपनों से दुख पा रहे हैं? क्यों हम अपनों को दुख दे रहे हैं? क्योंकि हमें आपस में ही समझ नहीं है ना, स्वीकृति नहीं है हमें, कभी किसी किसी बात से अस्वीकृति हो जाती है। इसलिए किसी बात से स्वीकृति नहीं है कि खुद की ही स्वीकृति नहीं? पहले तो मेरी खुद की स्वीकृति नहीं होती ना, तब मैं दूसरों की स्वीकृति से अस्वीकृत होगा ना, इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे परिवार में भी कई इम्प्रूवमेंट है, अब कभी कभी ऐसा होता है कभी मेरे पापा कभी मेरे को डांटते हैं तो पहले जैसा दुख नहीं होता है, अब मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो मेरे को क्यों डांट रहे हैं, तो मेरे को बहुत बढ़िया ये इसमें मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया। बहुत बढ़िया। देखिए जो भी कुछ इन्होंने कहा, आदमी के कहने से उसकी फील, मतलब शब्दों को सुनने भर से आपको फील होता है कि नहीं कुछ तो हुआ है। अब ये चीज ना तो ये रूप है, ना ये बल है, ना ये पद है, ना ये धन है, ना ये इंद्रिय सुख है, लेकिन सुख तो है, ठीक है? तो एक बार ये फीलिंग में हमको आ जाए कि यार ये कोई ठोस चीज है, और ये आने के बाद में बाकी सब चीजें हल्की लगती हैं, तो फिर आप इसके लिए मेहनत करते हो। तो कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं आई है, खाना भी बिना मेहनत के नहीं आया है, है ना? और ये समझ भी बिना मेहनत, लेकिन मेहनत तो उसकी है, मेहनत तो जब कोई चीज में हमको एक आशा दिखने लगती है तो हमारा मेहनत करने का मन करता है ना? और ये तो हंसते खेलते होने वाला काम है। बहुत बढ़िया। ये मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, कल मैंने जो बात की थी कि हमारे विचार पर इंद्रियों का काबू है अब तक, मैंने कल बात की कि लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारा विचार का काबू हमारी इंद्रियों पर होना चाहिए, ऐसा मैंने तो फील किया। कभी कभी मैं कई लोगों को पूछता हूँ ना कि ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग बोलते ये नामुमकिन है। नहीं, ये नामुमकिन है का मतलब है कि देखो अभी भी सारे आप लोग उस एज में हो जहाँ ये चीजें आप सबको खूब प्रभावित करती हैं, और हम जो बड़े लोग हैं हमको भी प्रभावित करती हैं, ठीक हो गया?
लेकिन इतना तो आपको पता चलता ही है कि किसी मोमेंट में ये ज्यादा प्रभावित कर रहा होता है, किसी मोमेंट में ये कम प्रभावित करता है। ध्यान में आ गया? सभी लोग इस बात को कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई मोमेंट में इंद्रियों का प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा होता है, कोई मोमेंट में ये प्रभाव कम होता है। इसका मतलब ये कम ज्यादा तो होता है। दूसरा, जैसे अभी मान लो हम 3 दिन बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं कि इस हॉल में चर्चा करते समय और जब मेरे को कुछ समझ में आ रहा होता है उस समय इंद्रियों का प्रभाव बहुत न्यूनतम हो जाता है, लगभग नहीं जैसा हो जाता है? कितने लोग इस बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं? ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब बड़ा सुख मिल रहा होता है, जब सोचने समझने का सुख मिल रहा होता है, जब संबंध का सुख मिल रहा होता है, देखो बहुत क्लैरिटी के साथ में मैं आपसे शेयरिंग कर सकता हूं। गर्ल्स बॉयज में जब तक हम किसी से नहीं मिलते हैं, जब तक किसी के साथ हमारी बहुत बहुत अच्छे वैचारिक स्तर पे एक्सचेंज नहीं होता है तो हमको फिजिकल लेवल के ख्याल ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन उसी के साथ आपका यदि वैचारिक आदान प्रदान होता है तो आपको पता चलता है कि अब आपका उसके लिए शरीर का ख्याल उतना नहीं आता है। ये कितने लोग नोटिस करते हैं इस बात को? ठीक, सब कॉमन है, ये सब कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रिय सुख से संबंध का सुख ज्यादा है, इंद्रिय सुख से संबंध का सुख ज्यादा है। जैसे ही हमको संबंध का सुख फील होता है तो इंद्रिय वाला सुख छोटा पड़ जाता है। आप घर में छोटे बच्चों को देखो, छोटे बच्चे का दोस्त आ जाता है तो खाना छोड़ के भाग जाता है। कितने ने ऐसा होते हुए देखा? जबकि खाना खाना सुखदाई काम है ना, लेकिन उसका दोस्त आ गया उसके बाद वो खाना छोड़ के भाग ही जाता है, नहीं खाना है, हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही बड़ा सुख मिलता है हम छोटा सुख छोड़ देते हैं। और एक मानव के लिए सूत्र लिख लीजिए, बहुत बढ़िया सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है। बढ़िया। तो हर समय ये लाइन मेरे ऊपर सवार रहती है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरी उपयोगिता क्या है, दूसरे मेरे को इंपॉर्टेंट फील करें। मेरा एक दोस्त है, हम लोग साथ में इंजीनियरिंग किए, हम लोग जॉब में आ गए और उसका अपना फैमिली बिजनेस था और वो बिल्डर हो गया। क्या हो गया? बिल्डर। और बिल्डर ने बहुत मोटा पैसा कमाया। अब वो 4 गाड़ियां मेंटेन करता है, एक वाइफ के लिए, एक हस्बैंड के लिए और 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा। वो 2 गाड़ियां किस काम आती हैं? जब उस शहर में उसके दोस्तों के दोस्त आते हैं तो दोस्तों के दोस्त को गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और गाड़ी मेरे ही पास है 2 एक्स्ट्रा, 2 ड्राइवर रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है, एक उस 2 गाड़ियों पे चलता है, तो उन दोस्तों को मेरी गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो तब मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक। अब हम दोनों दोस्त हैं, अब पति पत्नी, 2 बच्चे और 10 नौकर, 4 गाड़ियां, तो एक आदमी उसके सामने खड़ा ही रहता है, बाबू और क्या करना है। अब मैं जब भी घर जाता हूं हम आधा घंटा एक घंटा बात करते हैं, एक जन आ ही जाता है, बाबू और क्या करना है। तो मैं एक दिन पूछा कि ये बताओ कि ये नौकर तुम्हारे लिए हैं कि तुम इनके लिए हो, क्योंकि तुम तो इनके लिए, तो बाबू तो इनके लिए काम खोजते रहते हैं, अब खाली बिठा के पैसा भी नहीं दे सकता है, तो बाबू 10 नौकर के लिए काम खोजते रहते हैं, और मैं 4 गाड़ी क्यों रखी है, क्यों झमेला पाल रखा है? बोले यार तू नहीं समझेगा, मेरा धंधा ही समझने का है। बोले ये ना स्टेटस की बात है। स्टेटस क्या होता है? बोले इतना होने से ही कुछ लोग हमको अपने बराबर मानते हैं, इतना होने से कुछ लोग हमको अपने बराबर मानते हैं, नहीं तो अपने से छोटा मानते हैं। तो लास्ट में सार क्या निकला? आदमी आदमी के साथ बराबरी चाहता है, तो आदमी सम्मान चाहता है, उसको लगता है ये गाड़ी होने से मिलेगा तो मैं गाड़ी ले आऊंगा, उसको लगता है ये मंत्री होने से मिलेगा तो मैं मंत्री बनूंगा, उसको लगता है कि ये अधिकारी होने से मिलेगा तो मैं अधिकारी बनूंगा,
तो मूलतः आदमी की तलाश उसकी इंपॉर्टेंस की तलाश है, उसकी उपयोगिता की तलाश है। अभी ये उपयोगिता कैसे आएगी ये समझ में नहीं आता है, तो सारी उपयोगिता मेरे से बाहर है। तो मैं इस बात को पूरा करूंगा, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लो, फिर आगे चलेंगे। एक कल का ही मैं एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ कि पहले दिन जो हमने सीखा जिंदा रहना है या जीना है, वो यूट्यूब में भी आपका वीडियो है। तो मेरा भाई मेरे पे, मेरा छोटा भाई है, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे वो मेरे को चिढ़ाता है और मेरा मजाक करता है, इंसल्ट करता है। मेरे को कुछ फर्क वगैरह नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसा करता है। तो कल वो मेरे को बोला, क्योंकि उसको गेम खेलना था ऑनलाइन, तो मेरे को बोला तू हॉटस्पॉट कर तो मेरे को डेटा मिले ना, तो मैं गेम खेलू। तो मैंने उसको बोला एक साथ पे मैं हॉटस्पॉट करता हूँ, तेरे को एक वीडियो देखना है। तो मैंने आपका वीडियो देखाया, जिंदा रहना है और जीना है। तो कल 9:30-10 जैसा हुआ था टाइम, तो वो आपका वीडियो 12 मिनट का वीडियो है, वो पूरा उसने देखा अच्छे से। मैंने उसको बोला जो चीज नहीं समझ, जो बात नहीं समझ में आती वो मेरे को पूछना। उसने मेरे को कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन वो वीडियो पूरा हुआ ना तो मेरे को बोला पूरा हो गया, तो अब क्या करना है। तो वो ऐसे ही मोबाइल छोड़कर सो गया। बहुत बढ़िया। YouTube पे एक बच्चों का शिविर है, क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के लिए हमने एक शिविर किया था, जिसमें रायपुर के जितने लीडिंग स्कूल हैं सबसे 2 लड़के और 2 लड़कियां हमने इनवाइट किए थे। उस शिविर में 10 टीचर, 10 पेरेंट्स और 60 बच्चे, ऐसे वो शिविर का सेटअप है। वो चिल्ड्रन शिविर के नाम से YouTube में आपको मिल जाएगा। सोम त्यागी या जीवन विद्या चिल्ड्रन शिविर डालेंगे तो वो शिविर आपको मिल जाएगा। तो वो शिविर को आप लोग देखो, लगभग आपकी उम्र उसके आसपास की है, तो हो सकता है आप बेहतर रिलेट कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें देख के हमको पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है, मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है, उसके बहुत रास्ते मेरे को मिलेंगे। जैसे आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए, अब आपको खुशी हुई ना कि मैं एक प्रॉब्लम हैंडल कर पाया, बहुत खुशी हुई। हाँ, तो अपनों के साथ जब भी हम नहीं जी पाते हैं उसका हमको बहुत पीड़ा होता है। जब भी हम अपनों के साथ में बेहतर जी पाते हैं, हारमोनियसली जी पाते हैं, हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो खुशी है इसकी तरफ हमारा अधिकार नहीं बन रहा है। अभी तो अधिकार इतना ही बन रहा है चलो पिज्जा खा लें, चलो ये खा लें, चलो वो कर लें। ठीक है, वो बुरा नहीं है, पर वो तो थोड़ी देर का ना, उसके बाद फिर बेरोजगारी है। उसके लिए क्या करोगे, 24 घंटे तो खा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, खाते हैं फिर उल्टी करते हैं फिर खाते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हो। पिज्जा खाया, उल्टी कर दिया, फिर पिज्जा खाया, फिर उल्टी कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, चॉइस। बढ़िया, बस इतना ही एक्सपीरियंस था। गुड। हाँ जी, माइक माइक। सर, पहले आपने पूछा कि इन 3 दिनों में आपने क्या सीखा। जब हम किसी चीज को सीखने के बारे में बोलते हैं तो वो चीज हमें असल में तभी सीखने को मिलती है जब हम उसे लाइफ में सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसमें वो सारी बातें लिखी है जो बातों के बारे में मुझे लगता है कि मैं उसको ये 3 दिन के बाद सही तरह से उसे समझ सकूंगी। पहली बात, आपने जैसे बोला था कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, तो अगर लाइफ में कभी भी कुछ लेना होगा या फिर कोई भी बात होगी तो उसके बारे में मैं पहले सोचूंगी कि ये मेरे जिंदा रहने के लिए है या जीने के लिए है। दूसरी बात, सब इतना सोच पाए ना तो जिंदगी का मैक्सिमम बोझा खत्म हो जाएगा। आदमी के पास इतनी जबरदस्त ताकत है सोचने समझने की, हमारी जिंदगी के सारे झंझट आप देखो ना, कोई हाथी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया? हाथी स्ट्रगल नहीं करता, पेड़ नहीं करता, पूरे नेचर में कोई चीज, सब चीजें अपना अपना काम कर रही हैं। मानव के पास इतनी सोचने की क्षमता, इतना उसका जबरदस्त सक्षम शरीर, उसके बाद आदमी रोते रहता है, ये क्या मतलब है? आदमी रोने के लिए बना नहीं है। आदमी रोने के लिए बना है कि आदमी जिंदगी भर हंसने हंसाने के लिए बना है? आदमी हंसने हंसाने के लिए बना है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है इसलिए रोता गाता रहता है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, सब लोग अल्टीमेट खुश रहना चाहते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं 5 बजे यहाँ से छूटकर घर जाती हूँ तो कभी कभार भाई, छोटा भाई घर पे होता है तो ऐसे ही बोलता है तू क्यों घर पे आई।
मतलब ऐसे ही टांग खींचने के लिए या वो सब? वो मुझे बोलता है कि क्यों तेरे कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर पढ़ी रहती होती, यहाँ पर क्यों आई? तो कुछ बार इरिटेशन हो जाता कि यार एक तो 5 घंटे पढ़कर हम यहाँ घर पर आए और वो ऐसा बोलता है, लेकिन अब मुझे समझ में आएगा कि वो अल्टीमेट खुश रहना चाहता है। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा, देखो भाई बहन अक्सर एक दूसरे का टांग ही खींचते हैं। हाँ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्योंकि 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 क्यों खींचते हैं? क्योंकि सब लोग खुश रहना चाहते हैं, उसमें उसको खुशी मिलती है। आप देखोगे ये जो कॉलेज में रैगिंग बुलिंग ऐसा बहुत कुछ होता है, एक दूसरे को हम कमेंट मार के छेड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा हम क्यों करते हैं? मजा आता है, मजा आता है। देखो समझने लायक बात है, नमस्कार पीछे वालों। हम एक दूसरे पे, खासकर दोस्तों में ये होता है, खासकर दोस्तों में ये होता है कि हम एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं और खुश होते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है हम एक दूसरे के साथ में जीना चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए कोई मीनिंगफुल कंटेंट हमारे पास नहीं है तो छेड़ाछाड़ी करते हैं। यदि मीनिंगफुल कंटेंट होगा तो मीनिंगफुली बात करेंगे, उसमें भी बहुत मजाक हो सकता है, उसमें भी बहुत अच्छी छेड़ाछाड़ी हो सकती है। अभी हमारी छेड़ाछाड़ी अक्सर एक दूसरे के दुख में बदल जाती। कब वो हम सीमा क्रॉस कर जाते हैं? जब दूसरे को वो अपमान फील हो जाता है, ये अक्सर पता नहीं चलता है। जब सामने वाला नाराज होता है, नहीं नहीं मेरा तो भाव ऐसा नहीं था, मेरा तो ऐसा मीनिंग नहीं था, तब हम फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो बेसिकली आदमी आदमी के साथ जीना चाहता है। आप स्पोर्ट्स को देखोगे, नमस्कार, आप स्पोर्ट्स देखोगे तो आप देखोगे क्रिकेट, क्या चीज है क्रिकेट? क्रिकेट क्या है? टेक्निकली बोले तो क्रिकेट का मतलब है एक आदमी बॉल फेंकता है, एक मारता है, एक उठा के ले आता है। टेक्निकली तो इतना ही है। आप मिनिमम देखोगे तो गली में दो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, दीवार की विकेट बना लेते हैं, एक बॉल फेंकता है, वही उठाते रहता है, वही मारते रहता है। फिर तीन भी खेलते हैं, तीन होते हैं तो एक उठा उठा के लाने लगता है। फिर चार भी खेलते हैं तो दो तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर पांच भी खेलते हैं, ग्यारह भी खेलते हैं। फिर ग्यारह खेलते हैं तो कुछ लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं। फिर ग्यारह खेलते हैं तो दो टीम हो जाती है, ज्यादा लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं, और कोई कोई मैच में पूरा देश और पूरा विश्व देखने के लिए बैठता है। तो ये क्या चीज है, क्या चीज की खुशी है? खुशी आदमी को दो ही चीज की है, या मैं कहूंगा एक ही चीज का है। खुशी आदमी को परफेक्शन का खुशी है। क्या परफेक्शन? बॉलर कहता है कि तू कुछ भी कर ले, मैं बॉल विकेट में घुसा दूंगा, ये बॉलर का परफेक्शन है। बैट्समैन कहता है कि तू कुछ भी कर ले, मैं इसको बाहर बाउंड्री के बाहर भेजूंगा, ये उसका परफेक्शन है। विकेट कीपर कहता है कि कोई भी बॉल यहां से छूट के नहीं जाएगी। फील्डर कहता है कि तू कितना भी मार ले, मैं बाउंड्री नहीं छूने दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे लोग अपने अपने परफेक्शन को देख के खुश हैं, और जो ग्राउंड में बैठे हैं वो क्या देख के खुश हैं? वो भी इनके परफेक्शन को देख के खुश हैं। और इस बहाने क्या हुआ? इस बहाने कुछ लोग साथ साथ जी लिए। क्रिकेट के बहाने 11 लोग साथ में जी लिए। तो बेसिकली आदमी का, आदमी के साथ जीने का मतलब, भाई आप घूमने जाते हो, आप एक आदमी भी घूमने जा सकता है। चलो भाई मैं फ्लाइट उठाया, ट्रेन उठाया, कहीं घूम दूसरे, लेकिन आप जब भी घूमने जाते हो आप अकेले नहीं जाते हो, आपको लगता है कि दो लोग साथ में रहें। तो बेसिकली खुशी आदमी की मानव के साथ है ना। तो ये आदमी आदमी के साथ जीना चाहता है। आदमी जब भी खुश होता है तो आदमी के साथ जी के खुश होता है। किसी की जिंदगी में कोई सफलता मिलती है तो क्या बोलता है? आज मेरा वो होता जो मर गया, जो अब नहीं है, आज मेरा वो होता तो कितना खुश होता। तो बेसिकली खुशी भी मिलती है तो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनों के साथ शेयर करते हैं तो हमको खुशी मालूम होती है। अकेले को खुशी भी मिलती है तो खुशी जैसी नहीं लगती है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, सबसे बड़ी खुशी आदमी की आदमी के साथ जीने की है। ठीक, ये आदमी के साथ जीने की खुशी नहीं मिली है इसलिए हम मोबाइल से खेलते हैं,
ये आदमी के साथ जीने की खुशी नहीं मिलती है इसलिए मोबाइल से खेलते हैं, ये आदमी के साथ जीने की खुशी नहीं मिली है तो उसको पिज्जा में ढूंढते हैं, बर्गर में ढूंढते हैं, फिल्म में ढूंढते हैं, किसी और जगह में ढूंढते हैं, इंद्रियों में ढूंढते हैं। ये आदमी के साथ जीने की खुशी बचपन से मिली होती, ये आदमी के साथ जीने की, अब ध्यान से सुनना आपके काम की बात है, ये आदमी के साथ जीने की खुशी हमको बचपन से मिली होती तो इतना सारा डाइवर्जन और इतना सारा जो हमारा ध्यान बढ़ता है चारों तरफ, इतनी सारी जो बोरियत महसूस होती है, ये जो भाई भाई की टांग खींचता है, दोस्त दोस्त की टांग खींचता है, ये इतना सब कुछ जो हमारे घरों में हो रहा है, ये केवल इस बात की सूचना है कि हमारे घर के बड़े लोगों को जीना नहीं आया। उनको जीना आया होता तो उनको देख के हमको भी जीना आ गया होता, क्योंकि उनको खाना खाने आता है तो हमको खाना खाने आ गया है, वो गुजराती बोलते हैं तो हमको गुजराती बोलना आ गया है, उनको कपड़े पहनना आता है तो हमको कपड़े पहनना आ गया है, प्यास लगी तो पानी ही पिया है, मिट्टी का तेल नहीं पिया है, भूख लगी तो खाना ही खाया है, गाड़ी चलती को गाड़ी यूज करते हैं तो हमको गाड़ी यूज करना आ गया है, उनको संबंध में जीना नहीं आया है इसलिए हमको भी संबंध में जीना नहीं आया है। तो आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चों के लिए, एक माँ बाप की सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चों के लिए क्या होगी? एक माँ बाप की सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चे के लिए क्या होगी? उसे सही तरह से जीवन जीना सिखाए। उसको नहीं सिखाना है, वो सही तरीके से जीता हुआ होगा तो वो देख के सीख ही लेगा जैसे कि बाकी चीजें सीखी हैं। यदि वो खुद में, उसको पानी पीता था तो पानी पीना सिखा दिया, खाना खाता था खाना खाना सिखा दिया, गुजराती बोलता था गुजराती बोलना सिखा दिया, गाड़ी से चलता था गाड़ी चलाना सिखा दिया, मैथमेटिक्स आता था मैथमेटिक्स सिखा दिया, इंजीनियरिंग आती थी इंजीनियरिंग सिखा दी, जीना नहीं आता था जीना नहीं सिखा पाया, एक दूसरे की टांग खींच रहे। आपके बच्चे भी यही करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की टांग खींच रहे, सास बहू एक दूसरे की टांग खींच रहे, दरानी जेठानी एक दूसरे की टांग खींच रहे, प्रिंसिपल टीचर एक दूसरे की टांग खींच रहे, तो आपके बच्चे भी एक दूसरे की टांग खींचेंगे और बड़े होके आपकी भी खींचेंगे। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, टांग खिंचवाना है कि जिंदगी जीना है? जिंदगी जीना है तो समझना हमारी जरूरत है, कॉलेज सुविधा उपलब्ध कराए नहीं कराए, ठीक है हमको। हाँ एक बात और, अब सारे लोगों को क्या लगता है आप 3 दिन का मेरे को क्या पेमेंट दोगे? कॉलेज से तो कोई पेमेंट में लेता नहीं, आप मेरे को क्या पेमेंट करोगे? पक्का? किसने बोला खड़ा हो जाए माइक ले ले, ये आदमी तो दम वाला है। क्या पेमेंट करोगे आप जो मांगेंगे? तो मैं ये मांग रहा हूं आप सबसे, मैं आप सबसे ये मांगना चाहता हूं कि इस बैच के बाद जब अगला बैच आएगा, है ना, 12, 13, 14, आज क्या डेट है, 12, 13, 14, 15 छुट्टी है, 16 को जब अगला बैच आएगा तो कम से कम आपके थ्रू आपके कैंपस में ये सूचना चली जाए कि काम की बात है और ध्यान से सुनना है, है ना। ये तीसरे दिन जो आपका मेरे को लिसनिंग मिल रहा है, यदि ये पहले दिन मिल गया तो आपका पेमेंट हो गया। मेरे को 2 दिन आपको भेर बकरी की तरह से घेरना ना पड़े, ये सम्मानजनक नहीं है। तो अपने दोस्तों को बता देना, देखो बाकी कुछ भी करना, ये क्लास काम की है, ये चीज काम की है, ये हमारी अपनी है, इसके लिए। हाँ एक बात मेरे आज दोपहर में ध्यान में आ रही थी, मैंने ब्रेक के पहले आपको ये बताया कि आप में से जिन लोगों को इस बात को पूरा समझने की रुचि है, कितने लोगों को है? सभी को है, ठीक है। जिन लोगों को रुचि है उनके लिए कॉलेज के स्ट्रक्चर में ये जगह बनाई गई है कि आप अपनी बीएससी के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन हैप्पीनेस, और मैं फ्यूचर में ये भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है आपके लिए ये सर्टिफिकेट और ये डिप्लोमा कोर्स ज्यादा कीमत का हो आपकी जिंदगी में और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बीएससी का जो भी आप करोगे वो आप करोगे ही, लेकिन मैं साथ में ये कहते कहते मेरे मन में ख्याल आएगी कहीं आपके मन में ऐसा ना हो कि इसकी अलग से कोई फीस ली जाएगी क्या? जितना मेरे ध्यान में अलग तक अलग है, इसकी कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए ना हम कोई चार्ज करते हैं, ठीक है,
ना हमारे मित्र कोई चार्ज करते हैं, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसको हम आउट ऑफ लव शेयर करते हैं, अपनेपन के भाव से शेयरिंग करते हैं। इस कोर्स के लिए आपसे भी कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपके अंदर किसी तरह का कंफ्यूजन मत हो, ठीक है? ऐसा क्लियर करना, ठीक है? तो इस कोर्स के लिए आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हर सेमेस्टर में आपको दो शिविर संभवतः दिए जाएंगे ताकि आपकी धीरे धीरे ये प्रोग्रेस और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाए, और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि सेकंड ईयर तक आते आते आपकी ये स्थिति बन जाएगी कि आप जूनियर के साथ में शेयर करने का कॉन्फिडेंस पा जाएं। जैसे अभी भी मेरे को 10-20 चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जो थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो अपनी छोटी क्लासेस में जाके उसको शेयर, कितने लोगों को लगता है कि ये बात तो अच्छी है और मैं इसको किसी स्कूल में जाके शेयर करना चाहूंगा? ठीक हो गया? देखो पहले भी कहा गया है ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। आप किसी को कुछ समझ दे दो तो उसकी जिंदगी भर काम आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, कोई करने वाला नहीं है। YouTube में क्या मिलता है आपको सबको पता है, सारे लोग YouTube महाशिविर में तो सभी लगे हैं, है ना? तो इतना सारा कचरा पहुंचाने का प्रबंध लोगों ने किया हुआ है, हमारी जेब से पैसा निकालने के लिए तमाम लोगों ने इतने सारे प्रबंध कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज पहुंचाने के लिए हम संकल्प लेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए अपनी योग्यता को बनाएंगे। तो आप में से जितने लोगों को लगता है कि आपकी योग्यता, हो सकता है आपको एक साल लगेगा, हो सकता है आपको योग्यता बनने के बाद, हो सकता है राजकोट के अलग अलग स्कूल्स में आपको बुलाएं और आप स्टूडेंट्स के साथ में जाके इस बात को शेयर करो। ऐसा कितने लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हम इसको शेयर करना चाहेंगे? ठीक हो गया? तो धीरे धीरे आपकी योग्यता बनेगी और आगे भी सोचेंगे तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, और बोलो। तो तीसरी बात, जो जिसके पास है वो वही बांटेगा, ये आपने बोला था। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता है तो हमको दुख लगता है, या कोई हमारे पे गुस्सा हो जाता है तो हम भी सामने गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें और उसमें फर्क क्या रहेगा? क्या बात। तो इस बात से मुझे ये पता चलेगा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमें सोचना चाहिए कि ये गुस्सा करता है या हमको तकलीफ पहुंचाता है तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, हमें वो ढूंढना चाहिए। कचरा है, कचरा बांट रहे। फोर्थ, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है। इसके बारे में मैं कुछ बताना। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, हमारी आपको पता ही होगा कि 11th 12th वो दोनों में बोर्ड था, तो सेमेस्टर सिस्टम थी इसलिए चार चार एग्जाम बोर्ड के द्वारा ली जाती थी। तो इसमें वीक में हमारी चार एग्जाम होती थी, तो पेपर में अच्छे मार्क्स आते थे। तो एक गर्ल ने मुझे नहीं बोला था लेकिन किसी और को बोला था कि इसको तो यार बढ़िया मार्क आते, मैं इससे भी बढ़िया मार्क लाऊंगी। मतलब उसने उस सेंस में बोला था। तो मुझे किसी दूसरी गर्ल ने बताया था लेकिन तब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने तब भी ये सोचा था कि अगर उससे उसको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ, ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखे, किसी को ना। क्या बात। एक और बात है जो शायद इस शिविर में उसको लाया नहीं गया, हमने जब UHV किया था तब हमारे सर ने एक बात बोली थी, वो बात मुझे लाइफ में भी बहुत उपयोगी लगी, कि जब हम लोग किसी के साथ लड़ाई करते हैं तब अक्सर ये हम लोग बोलते हैं कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब गुजराती में ऐसे बोलते हैं, एने शू भान पड़ती थी, डोबा जेवो छे। गुजराती में मतलब ऐसे ही हम बोलते हैं। गुजराती में बोलते ज्यादा मजा आता है, मेरे को भी सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं बोलते कि हमको समझ नहीं आता, हम ये बोलते हो कि सामने वाले को समझ नहीं आता। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ ना कि हमें समझ आता है लेकिन सामने वाले को नहीं आता। उसके बाद सर ने जो बोला वो मेरे माइंड में फिक्स हो गया, मतलब कि हम समझदार है और जो लोग समझदार होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। गुड। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, उधर एक माइक दीजिए। सर, मैं, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार सर, मैं आपके ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति नहीं, हमारी मन की स्थिति चेंज करनी चाहिए। ओए होए, ओए होए, क्या बात, छा गए प्यारे। सर, ये दूसरे से जो हो जाता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये
बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली डू इट। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं ठीक, okay. और कुछ? थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। और कोई शेयरिंग? हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। देखिए मैसेज तो आप तक ठीक पहुंचा है, क्यों अजय भाई, विजय भाई? सर, इस पूरे 3 दिन में मैंने जो सिखाया वो मैं कुछ लाइंस में शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हाँ, हाँ. कि अगर मेरा सुख सीमित है तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, मेरा सुख सीमित है तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और मुझे हर पल सुख महसूस होता है तो मैं हर हाल में जी रही हूँ। बढ़िया, उसमें आगे भी कई लाइन और लिखी है मैंने। बोलो बोलो। अगर मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होती हूँ तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होती तो मैं सच में जी रही हूँ। हाँ, दूसरों के जीने में, मतलब दूसरे जी सकें इस अर्थ में मैं उनको प्रभावित कर पाता हूँ तो मैं जी रहा हूँ। तो मैं जी रहा हूँ। अगर मुझे अपने आप पर पूरा यकीन नहीं है, मुझे दूसरों को देखकर कुछ करने का मन होता है तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और यदि मुझे हर पल हर वक्त अपने आप में पूरा यकीन होता है तो मैं सच में जी रही हूँ। बढ़िया। अगर मुझे संबंध से ज्यादा साधन में सुख मिलता है तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और यदि साधन से ज्यादा संबंध में सुख मिलता है तो मैं सच में जी रही हूँ। क्या बात। अगर मुझे हर बात हर चीज में अभाव दिखता है, अभाव लगता है, तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और हर बात में हर चीज में अभाव मुक्त हूँ तो मैं सच में जी रही हूँ। क्या बात। अगर मैं अपने आप को स्थायी रखना चाहती हूँ, अगर मैं अपने आप को मतलब शारीरिक स्थायी रखना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और यदि मैं अपने मन को स्थायी रखना चाहती हूँ तो मैं सच में जी रही हूँ। बढ़िया। और लास्ट, अगर मेरा कंट्रोल मेरी फीलिंग्स दूसरों पर निर्भर है तो मैं सिर्फ जिंदा हूँ, और यदि मेरे सुख दुख की चाबी मेरे हाथ में है तो मैं सच में जी रही हूँ। थैंक यू। गुड। हमारे बीच में कुछ पेरेंट्स भी हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। पेरेंट्स भी हैं? एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कोई पेरेंट्स भी शेयर करना चाहे, और टीचर्स में से भी हमारे मित्र होंगे वो भी शेयर करना चाहें तो उनका स्वागत है। तब तक और कोई करना चाहेगा? और कोई शेयरिंग? हाँ जी भाई, सारे बड़े लोग ही तो शेयर कर ही सकते हो। कैसा लग रहा है आपको बच्चों को देख के? हाँ जी, चलो कोई नहीं, मैं करूंगा, आप नहीं करोगे तो है। बोलिए बोलिए, आप इधर दीजिए, इधर दीजिए, इधर दीजिए, उधर दीजिए। आप तो पुराने हो। गुड इवनिंग सर। आपका परिचय? अजीज बारवाल में सर, मेरी डॉटर यहाँ पे स्टडीज कर दी है। अच्छा, अभी मैं तो जस्ट ये 3 दिन से सुन रहा हूँ, ये शिविर हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है, लेकिन मैं आज बाहर था, जस्ट हैव, मैं 1 घंटा से ये देख रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। ये लोग लकीली है कि उनको ये वर्कशॉप इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज से माध्यम से मिल रहा है। एंड थैंक्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बढ़िया ये सोच, जो खाली बुक्स के अलावा ये जो माध्यम है, ये वर्कशॉप है, इट इज रियली बेस्ट फॉर इट। जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो आप ये वर्कशॉप से स्टूडेंट्स को मिल रहा है। थैंक यू। हाँ जी, हो गया। मेरी पेमेंट याद है? क्या करोगे, क्या करना है? कोई एक जन खड़े होके बता दो, कोई एक जन खड़े होके बता दो। एक एक बहनों में से, एक भाई में से, दो लोग खड़े होके बता दो। पेमेंट मेरी, मेरे को क्या पेमेंट देना है आपको? तो ध्यान से सुने और वो नोंद ले ताकि उसको आगे काम आ सके। हाँ, तो मेरी एनर्जी जो है बचा के रखो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मेरा शोषण मत कराओ।
तो अपने दोस्तों को कह देना कि मेरा शोषण ना करें, ठीक। बहुत सुनने की मानसिकता से आए, कुछ अच्छे वीडियोज आपके पास हो उनको भेजो, ठीक। उनसे पर्सनली मिलो, पर्सनली मिलके बोलो कि हमने शुरू का एक दिन खराब किया था, तुम मत करना, ठीक। और तीन दिन में भी आपका कंटेंट जितना मैं आपको तीन दिन में दे सकता था मैं उसका आधा दे पाया हूं। जितना कंटेंट मैं आपको तीन दिन में दे सकता था, जो ग्रुप डायनेमिक्स बहुत फेवरेबल नहीं था, इस सेंस में कि आपको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आज जितना बढ़िया हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है, अब ये कम्युनिकेशन एकदम उड़ेगा, फ्लाई करेगा, क्योंकि लेकिन फिर जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन बनता है वो खत्म हो जाता है। तो ये बात भी ठीक है कि आपके कहने के बाद भी उनको भरोसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके दोस्त हैं, हो सकता है आपकी बात पे उनको भरोसा होगा तो हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हाँ जी, इधर से एक बहन, कौन बोलेगा? हाँ जी, हेलो, myself Priyanka from biochemistry department, and for these workshops I will be paying that to whomsoever ever person I meet, my friends or the person who I meet or my family members. I will tell them that this workshop is actually useful for your life. See, you can have skills from your institutions and wherever you go for teaching and all that things, but if you want to have something for your own life, if you want to change your thoughts, mentality, you should actually come here, because it is actually of use. It is I feel that it is very useful. It's must in your life. If even if you are successful and if you are not happy, then you have not actually lived the life. You have just survived the life. Thank you. शानदार। तो बहुत सारा YouTube में वीडियो पड़ा है, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसा बहुत सारा आप देखो, जो आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, साथ में फोन भी करो, बातचीत करो। मैं देखिए, यदि आप लोगों के पास अभी BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ लोग हो सकता है MSc की तरफ जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है किसी और डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन एक बार ये चैनल चालू हुआ तो कंटिन्यूअसली आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, फिर ऐसा नहीं है कि आपको केवल वर्कशॉप में पता चलेगा, डे टू डे लाइफ में भी आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस होते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। बढ़िया, और कोई शेयरिंग? सर, एज अ टीचर मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। sure. इस वर्कशॉप में मैंने क्या फील किया? कभी कभी ऐसा होता है कि अपने टीचर्स फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आजकल की जनरेशन को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये बिगड़ती जा रही है। yes. फिर उनका वो भरोसा दिन ब दिन टूटता जा रहा है। जी. लेकिन इस वर्कशॉप में मैंने ये महसूस किया कि बच्चे भी समझ पाते हैं, अगर उनको ठीक से वो चीज मिले वो उनपे सोच भी सकते हैं और आगे और भी सोच सकते हैं और जिंदगी जीने का रास्ता वो खुद तय कर सकते हैं। भरोसा बना थोड़ा ज्यादा। देखिए, जो बात आपने बोले, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हेमांगी भट्ट। हेमांगी भट्ट जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं वीरानी साइंस कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी और राजकोट। अच्छा, से बिलोंग करती हूं। और राजकोट में ही आप? यही, यही जन्म यही है? जन्म जाम जोधपुर में है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। जामनगर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो बात आपने कही वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लगभग स्थितियां ऐसी हैं, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, लगभग स्थितियां ऐसी हैं कि टीचर्स का बच्चों से भरोसा उठ रहा है, बच्चों का टीचर से भरोसा उठ रहा है, माँ बाप का बच्चों से भरोसा उठ रहा है, बच्चों का माँ बाप से भरोसा उठ रहा है, बच्चों का युवा पीढ़ी का पूरे देश की सारी व्यवस्थाओं से भरोसा उठ रहा है, और देश की सारी व्यवस्थाओं को कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, आपस में हमारा भरोसा उठ रहा है तो कैसे एक्सचेंज होगा? लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हमने पहले भी कई बार काम किया है, दोबारा भी अभी यहां आत्मीय में हम देखेंगे, ये बहुत भरोसे के लायक हैं, इनके साथ बहुत बढ़िया से चला जा सकता है और ये बहुत बढ़िया आउटपुट दे सकते हैं। उसके लिए हमारी आपकी तैयारी की जरूरत है, हमारी आपकी तैयारी की जरूरत है। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, हमारी तैयारी कम है इसलिए ये लोग मना कर देते हैं कि नहीं सुनना है। बच्चों का क्लासेस ना करने का भी बड़ा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो क्लास में डिलीवर हो रहा है वो कंटेंट को और बेहतर और शानदार करने की जरूरत है। बहुत शानदार, आपकी शेयरिंग के लिए आपको धन्यवाद। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? और कुछ? पीछे एक माइक दीजिए, पीछे एक माइक दीजिए।
और अपने सारे दोस्तों को बोलना कि माइक से पीछे नहीं हटना है, जब भी माइक सामने आएगा माइक जोर से पकड़ना है, कोई संकोच नहीं करना है ना। जैसे आपको माइक पकड़ने में थोड़ा सा देर लगा है ना, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बात के भी उत्साहित करेंगे। हाँ, मुझे अभी तक लगता था कि मुझे कोई समझता नहीं है। और कोई समझता है वो बाद में धोखा दे देगा। तो मैं कभी वो ट्राई नहीं करती थी घर जाके कि मैं अपने मम्मी पापा को वो सब समझाऊं जो मैं समझी। तो अभी मैंने अपने कल या परसों कहा था कि हम कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हम वो चीज दूसरों को समझा सकते हैं। तो मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो चीज मैंने ही नहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट की होगी कि मैं किसी को अच्छे से समझा नहीं पा रही होगी। तो मैं पहले वो चीज खुद एक्सेप्ट करूंगी ताकि मैं दूसरों को समझा सकूं अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो दूसरों को कन्विंस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद कन्विंस होना इम्पोर्टेंट। और मुझे पहले वो भी लगता मतलब ऐसा होता भी है कई कई कि हमारे पेरेंट्स वो बड़े इसलिए उनको लगता है कि ये मुझे सिखा रही है तो इससे ज्यादा तो दुनिया मैंने देखी है, तो मुझे ज्यादा पता होगा कि या इससे ज्यादा पता होगा। तो वो वैसे भी हम कुछ शेयरिंग नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके जीने में, ये तो बात ठीक है कि जिंदा रहने वाली दुनिया आपने कम देखी है, उन्होंने ज्यादा देखी है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन आपने जीने वाली दुनिया की झलक देखी है, लेकिन जीने वाली दुनिया की झलक पहले बोलने में आएगी कि पहले जीने में आ जाए? यदि जीने की दुनिया की झलक जीने में आएगी तो उनको आपका जीना देख के उनको भरोसा होगा और धीरे से आपको सुनने की संवाद की जगह बन जाएगी। आज नहीं बनी है, कल बन जाएगी। बढ़िया, गुड। और कोई? हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। अच्छा सर, आपने जो फैमिली वार्मिंग की बात की, हाँ, कि फैमिलीज अलग अलग हो रही है, हाँ, बच्चे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं और मेरी मम्मी हर रोज झगड़ा करते थे। पहले मेरी मम्मी मुझको डांटती थी तो मैं चिल्ला के दरवाजा पछाड़ के अंदर रूम में चला जाता था या बाहर चला जाता था। फिर मैंने सोचा कि वो चिल्ला रहे हैं तो अभी उन्हें चिल्लाने दो, वो चिल्लाएंगी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, फिर मैं उनको समझाऊंगा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और इसके बाद से हमारे झगड़े बंद हो गए। वो जब भी चिल्लाती है मैं शांति से सुन लेता हूँ, फिर बाद में उनको बताता हूँ कि आपने मुझ पर गलत तरीके से चिल्लाई है और झगड़े बंद हो गए हैं अभी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे जिंदगी में कभी। थैंक यू। दिवस में एक्सपीरियंस तो शेयर करो, पण तमने બધાને હજી ઈ પણ કહું કે બીજી કોલેજ કરતા આપણે એટલા એટલે ભાગ્યશાળી છી, કોઈ ભલે આપણી કોલેજ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં છે, ધાર્મિક છે, એને લઈને હું કઈ વાત કરવા નથી માંગતો, પણ એક ઈ કહું કે ખાસ આ મેનેજમેન્ટ, આ શિક્ષકો અને ખાસ તો સોમભાઈ ને પણ આપણે સર ને આપણે ખુશ આભાર માનીએ, ખૂબ આભાર માનીએ કે એમને આ જીવન વિશે આપને આટલું માર્ગદર્શન આપ્યું। અને એમને કીધું કે કોઈ ફીસ નથી લેતા, તો આપણી એક મોટામાં મોટી ઈ ફરજ બને કે આ વસ્તુને લઈને સમાજમાં પહેલા તો આપણે ખુદ આ વસ્તુને સમજીએ, આ કન્ટેન્ટને સમજીએ, આપણે આવી રીતે જીવીએ, અને આપણાથી નાના બાળકો અથવા તો આપણી સાથે રહેતા મિત્રો, આપણા પેરેન્ટ્સ આ સમાજમાં ફેલાવી, એ ખાસ આપણી મોટામાં મોટી ફરજ છે, તો આપણે એને પેમેન્ટ પૂરેપૂરું આપી દીધું એવું આપણે માનશું, બરાબર। તો હું ફરીથી એકવાર આ મેનેજમેન્ટનો, આ કોલેજનો અને ખાસ તો સરનો ખૂબ જ આભાર માનીશ કે આ અમને જીવન મધ્યસ્થ દર્શનને થોડી વિશે અમને માહિતી આપી, અને એનાથી કંઈ જે કંઈ મારી લાઈફમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું એ મને ખૂબ જ આનંદ થયો, ખૂબ જ સુખ મળ્યું, તો હું સારી રીતે જીવી શકીશ આગળ। થેન્ક યુ સર।